चलो, सभी को आदाब, जय भीम, सतरंगी सलाम, जिंदाबाद। आज युवा संवाद के हमारे सत्र में हम बोलने जा रहे हैं युवाओं के लिए, जो शायद सबसे चिंता का मुद्दा रहा है पिछले कुछ दिनों में, उस मुद्दे के बारे में। ये मुद्दा है बेरोजगारी का। वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग द थीम ऑफ unemployment in this month, and I think we can all say that it is probably one of the most concerning issues for the youth today in India, क्योंकि पिछले 45 सालों में सबसे खराब बेरोजगारी के आंकड़े हमें फिलहाल नजर में आ रहे हैं, और खास करके जो pandemic है उसके बाद lockdown जो लगा उसके बाद, तो हमें जिस तरह का चित्र हमारे समाज में देखने को मिला है वो शायद इससे पहले हमें हमारे देश ने कभी देखा नहीं था। मजदूरों की जो हालत इस लॉकडाउन के दौरान हुई है, उसके बाद भी आज तक अलग अलग तरह से ये जो चल रहा है वो सब हम अपने आसपास देख रहे हैं, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने आंदोलनों के मंचों से हम उसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस सारे माहौल में, इस सारे हालात में इस तरह की चर्चा होना उन साथियों के बीच में जो इस कामों में जुटे हैं, अपनी ओर से इन कामों में अपना योगदान दे रहे हैं, उनसे ये सब चीजें समझना, उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में चर्चा करना, ये बहुत ही जरूरी है। सो वी आर वेरी हैप्पी at NAPM Yuva Samvad that we are having this kind of a discussion today, where we shall be discussing about youth unemployment, economy and labor, and especially the various issues that arised after the lockdown, especially in the lives of migrant workers. And we are very happy to have a very diverse, very vibrant panel with us today, who will bring out all these different dimensions about the issue. So, हमारे आज के जो moderator है, उनका नाम है आनंदिता। आनंदिता PhD करती है समाजशास्त्र विषय में ब्राउन यूनिवर्सिटी से, और उनका काम जो है वो उत्तरदायित्व या जवाबदेही जिसको कहते हैं उसके ऊपर है। वो हकों की बात कर रही है, वो वेलफेयर राइट्स की बात कर रही है, और अलग अलग तरह के जो सामाजिक पर्याय है जो इस तरह की जवाबदेही मांगते हैं उनके साथ उनका काम रहा है। और भारत के अलग अलग जो मंच है जो अपने मूलभूत हकों के बारे में लड़ाइयाँ लड़ते हैं, जैसे राइट टू वर्क है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू फूड कैंपेन, ये सारी कैंपेन्स के साथ आनंदिता जी जुड़ी हुई है। तो वी आर वेरी हैप्पी टू हैव आनंदिता विद अस। शी इज डूइंग हर PhD इन सोशियोलॉजी एट ब्राउन यूनिवर्सिटी, एंड शी इज वर्किंग अराउंड द इशूज ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड वेलफेयर राइट्स, एंड I think she's also associated with various campaigns on right to work, right to information, and right to food, etc. And I think to kind of steer this discussion on COVID-19, I think she's a very appropriate moderator, because she's also worked with the Stranded Workers Action Network. I'm sorry for that. आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा बाहर हूँ इसलिए रस्ते से आवाजें आ रही है। मैं ये कह रही थी कि आनंदिता ने COVID-19 के दौरान स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क इस मंच के साथ भी काम किया हुआ है, जिसमें COVID-19 के दौरान मजदूरों को जो सहायता पहुंचाने का पूरा काम चल रहा था उसमें भी वो जुड़ी हुई थी। तो आनंदिता, आप मुझे लगता है अभी आगे के सत्र को संभालेंगी। I'm looking forward to the various dimensions that are brought forth, on which we can arrive at a consensus and, you know, try and build some kind of collective action in the future. Welcome, Anindita. थैंक यू राही, परिचय कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। जय भीम, जोहार, जिंदाबाद, सतरंगी सलाम सबको। NAPM के ये शुरुआती जो परिचय होता है मुझे बहुत पसंद है, और तो मैं उसी कोशिश में सबका स्वागत करती हूँ।
तो जैसे कि राही ने बताया कि ये इस महीने का जो विषय है वो एम्प्लॉयमेंट, लेबर और युवा, तो रोजगार, अर्थव्यवस्था और श्रम पर ये इस फेब्रुअरी का सीरीज का फोकस है, और ये इस महीने का सेकंड, एक तरीके से सेकंड डिस्कशन है, जिसमें वो ही विषय, अर्थव्यवस्था, रोजगार और श्रम का जो विषय है, आज हम खास करके प्रवासी श्रमिकों के संबंध में उस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से वक्ता हैं, उनका परिचय मैं कुछ मिनटों में बताऊंगी। मगर मैं शुरू में यही कहना चाहूंगी कि हम लोग प्रवासी श्रमिकों की जो बात है, ये जरूर पिछले 2 सालों में इस पर एक स्पॉटलाइट, एक फोकस जरूर आया है, क्योंकि लॉकडाउन ने सभी की जिंदगियों के साथ एक को उलट पुलट कर दिया, और पहली बार एक तरीके से हमारे हमारे घरों में, और हम हमारे घरों मतलब मिडिल क्लास परिवारों के घरों में कोई इस रियलिटी से, एक तरीके से इस रियलिटी को देखना पड़ा, नजदीकी से देखना पड़ा। आज के चर्चा में हम लोग प्रवासी श्रमिकों के मुद्दों को युवा या ब्रॉडली इनफॉर्मल वर्कर्स के मुद्दों से हम लोग अलग ना देखें, मगर बिल्कुल जुड़ा हुआ देखें। चाहे उनकी चिंताएं हो, चाहे उनकी आकांक्षाएं हो, चाहे उनके रोजगार की तलाश हो, वो सारे जो सवाल हैं, सम्मान, एक तरीके से सम्मान की तलाश जो हो, हम लोग इन मुद्दों को ब्रॉडर जो यूथ और इनफॉर्मल वर्कर्स या माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, उन मुद्दों से हम लोग जोड़कर उसको उसको देखें। तो दूसरी बात ये है कि तो जस्ट टू ट्रांसलेट क्विकली दैट माइग्रेंट वर्कर्स इश्यूज ऑफ कोर्स हैव कम इनटू फोकस इन द लास्ट 2 years बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन विच प्लेड हैवॉक विद आवर लाइव्स, बट ऑल्सो पर्टिकुलरली मेड मिडिल क्लास इंडियंस फील अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रेस दैट माइग्रेंट वर्कर्स, पर्टिकुलरली ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स दैट वी नाउ हैव टू कन्फ्रंट इन द कम्फर्ट ऑफ आवर होम्स। सो बट द purpose of this discussion is to not see migrant workers issues as separate from the issues of that are affecting young people across the country. Last week's discussion was an excellent discussion on employment and the larger sort of economic system within which young people today are aspiring but also struggling to find a foothold. So let's look at migrant workers, this discussion today, in the context of an ongoing conversation. ये कहते हुए कुछ इश्यूज हैं माइग्रेंट वर्कर्स के, जो इश्यूज हैं उसमें कुछ कुछ जुड़ा भी है मगर कुछ अलग भी है, और इसमें इसके लिए इस कुछ हम लोग अगर आंकड़ों पर भी अगर हम लोग देखें तो सो वी विल फोकस ऑन द थिंग्स दैट आर डिस्टिंक्ट अबाउट माइग्रेंट वर्कर्स बट ऑल्सो व्हाट आर कनेक्टेड। सो जस्ट अ फ्यू स्टेटिस्टिक्स, तो देश में 60 करोड़ प्रवासी श्रमिकों का एक एस्टिमेट है। अलग अलग एस्टिमेट से हम जानते भी हैं कि जब ये प्रवासी मजदूरों के साथ जो जो हुआ तो हमारे तो हमारे सरकार के पास भी ये आंकड़े उनके हाथ में थे ही नहीं। तो ये अलग अलग एस्टिमेट्स हैं, 60 करोड़ प्रवासी श्रमिक हैं देश में। अगर हम लोग इसको देखें तो रफली आधे जो लोग हैं, जो श्रमिक हैं, वो वहाँ काम कर, जहाँ पे वो पैदा हुए थे वहाँ से अलग दूर जाकर काम करते हैं। तो दैट्स अ ह्यूज नंबर। इसमें से करीब 40 करोड़ हैं जो मतलब हमारे जो आम समझ है कि लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, मगर ये हमेशा सच नहीं है। लोग अपने राज्य के अंदर ही एक जिला से दूसरे जिला तक जाते हैं काम की तलाश में, या शिक्षा की तलाश में, या एक बेहतर जिंदगी की तलाश में, और कभी मजबूरी से, कभी एक तरीके से देर इज अ चॉइस। बट सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू से दैट इट इज नॉट ऑलवेज कि गांव से शहर की ओर एक पलायन हो रहा है। गांव से दूसरे गांव, एक जिला से दूसरे गांव, दूसरे जिला की भी बात हो रही है। तो आज जब हम लोग माइग्रेंट वर्कर्स की बात करें तो कोशिश करें कि हम लोग इन अलग अलग प्रकार के पलायनों के बारे में भी को अपने
अपनी चर्चा में शामिल करें। दूसरा है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स, खास करके माइग्रेंट वर्कर्स के रोजगार में जो बढ़ती अनियमितता है, जो एक ग्रोइंग इनफॉर्मलाइजेशन है, ये खास करके उन उन माइग्रेंट वर्कर्स की जिंदगियों पर सबसे गंभीर असर पड़ता है जो जो घर से शहर और वापस, गांव से शहर और वापस शहर से गांव एक छोटे समय के अंदर रोजगार की तलाश में जाते हैं। तो हम लोग कोशिश करें कि दोनों जो जो एक तरीके से जिसको कहा जाता है सर्कुलर माइग्रेंट्स और जो शहर में जाकर जो बस जाते हैं, उन पर भी हम लोग अगर नज़र रखें और अपने बात में अपने अनुभवों पर अनुभवों को को देखते हुए उस पर भी हम लोग कुछ अपनी टिप्पणी और अपने कुछ हम लोग अपने वक्ताओं से सुनेंगे। और पैंडेमिक और ये लॉकडाउन की परिस्थिति में आई थिंक ये पिछले हफ्ते भी इस पर चर्चा हुई थी, इस पर बात हुई थी कि जो खास करके जो युवा हैं उनका रोजगार तो अक्रॉस द बोर्ड डिक्लाइन हुआ है। इस उसी में अगर हम लोग सब कैटेगरी ऑफ यंग माइग्रेंट वर्कर्स को देखें तो उनके रोजगार पर एक तरीके से एक डबल वनरेबिलिटी या एक डबल एक गंभीरता और भी ज़्यादा बढ़ी है। और अगर हम लोग उन्हीं माइग्रेंट वर्कर्स के अंतर्गत उसी कैटेगरी ऑफ वर्कर्स में अगर हम लोग महिलाओं की बात करें तो ये भी हम इन आंकड़ों से भी अब काफ़ी परिचित हैं कि देर इज़ बिन अ ह्यूज डिक्लाइन इन 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 वीमेन आर पुलिंग आउट ऑफ द वर्क फोर्स, पुलिंग आउट ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट एंड रिटर्निंग टू देयर होम्स नॉट टू कम बैक टू सिटीज और बीइंग एबल टू लीव देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क और बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो मैं थोड़ा मिलजुल के हिंदी इंग्लिश इस तरीके से अगर बोलूँ तो ठीक है, बट होपफुली इट्स एवरीवन कैन फॉलो। सो आई थिंक अगर आज की चर्चा में अगर हम लोग चिंता जो माइग्रेंट वर्कर्स की जो चिंताएं हैं, अनिश्चितता है, जो संकट है, उस पर भी हम लोग नज़र डालते हुए जो उम्मीदें हैं, जिस उम्मीद के साथ ये एक माइग्रेशन का जो एक की जो जर्नी है उस पर भी हम लोग अगर कुछ अगर नज़र डालें तो और आज हमारे साथ दो पर्सपेक्टिव्स हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। कुछ हमारे साथ दो साथी जुड़े हैं, खुद प्रवासी श्रमिक रहे हैं, किसी समय अभी अपने घर और गांव में हैं, मगर उनका अनुभव हम लोग सुनेंगे। और हमारे साथ ऐसे भी साथी जुड़े हैं जो एक्टिविस्ट हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो रिसर्च करते हैं और जो जिन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स के साथ मिलकर काम किया है। तो वो इंटरेक्शंस में जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं तो क्या सीख मिली और आगे के लिए हम लोग इस जो अर्थव्यवस्था है उसमें अगर हमें उसमें क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, केवल सरकार से नहीं मगर जो पूरा जो सरकार और बाजार का एक और कैपिटल का एक जो संबंध है उसमें, उस पर भी अगर आप लोग कुछ बात रखना चाहें तो that will be great। और finally मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जो छोटा सा जो मेरा अनुभव रहा है स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क का, मैं श्रम के मुद्दों पर कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। कुछ हद तक ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार गारंटी पे काफ़ी काम किया है वो काफ़ी अलग है, मगर जो शहरी क्षेत्र में रोजगार की बात है उसके उसके मतलब समस्याएं अलग हैं, उसका स्केल अलग है, उसका डेप्थ अलग है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो जो स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क का जो काम रहा उसमें कुछ मुख्य बिंदु जो जो सामने निकल कर आए वो ये थे कि तो 2020 में करीब 40,000 प्रवासी श्रमिकों ने स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क को कॉल किया और 2021 में 10,000, और इसमें से ज़्यादातर लगभग 80% से ज़्यादा जो थे वो 20 और 35 वर्ष के बीच के थे और ज़्यादातर पुरुष श्रमिक थे। 2021 में जो कॉल्स आए वो ज़्यादा वैसे परिवार थे जो घर नहीं जा पाए पहले वेव में, तो जिनके छोटे बच्चे थे या जो वहाँ एक तरीके से बसे थे शहरों में। इसमें जो दो तीन मुख्य बिंदु थे जो हम सब इससे परिचित हैं, मगर जो सामाजिक सुरक्षा का बिल्कुल मतलब अभाव या ना कोई भी सामाजिक सुरक्षा शहरी क्षेत्रों में
था ही नहीं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, आश्रय हो, इनकम सपोर्ट, राशन. इट वॉज अ कम्प्लीट कोलैप्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन अर्बन एरिया, समथिंग वी आर ऑल फेमिलियर विद. सेकेंड इज, अगर कोई भी कानूनी व्यवस्था थी इनफॉर्मल वर्कर्स या डेली वेज वर्कर्स के लिए, जैसे कि BOCW, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, जो ज्यादातर प्रवासी श्रमिक ऐसे कानूनी व्यवस्था से बिल्कुल वंचित थे, तो उस कानूनी व्यवस्था से जोड़ने का काम की जोड़ने में ही इतना समय लग गया कि जो जो डिस्ट्रेस में थे वो अपने राज्यों या गांव के तरफ निकल गए. तीसरा था कि ये केवल दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों पर ये असर नहीं पड़ा, मगर जो सैलरीड वर्क भी थे, जो जिनको मंथली वेतन मिलता था या किसी कंपनी से भी जुड़े थे, दो या तीन हफ्ते बाद उनकी भी उन पर भी जो संकट उनका भी जो उनकी भी जो समस्या थी वो काफ़ी गंभीर हो गई, और हमें वैसे युवाओं से भी हमें कॉल्स आने लगे. तो ये भी एक हमें दिखाता है कि जो रोजगार में बढ़ती अनियमितता है, ये इसका एक परिणाम है कि सैलरीड वर्क भी एक कोई भी प्रोटेक्शन उससे नहीं मिलता है. इस तरीके से काफ़ी और मुद्दे निकल कर आएंगे, तो मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी. और फाइनली आई थिंक मीरा चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा व्यवस्था पे भी बात करूं कि जो एक हेल्पलाइंस बने थे, तो उसमें ये भी हमें दिखा कि जो कोई भी सरकारी या व्यवस्था या कानूनी तरीका नहीं था, लॉन्ग स्टैंडिंग इशू, जो पुराने समस्याएं थे, उन्हें रिस्पॉन्ड करने का कोई तरीका था नहीं, चाहे वो अनपेड वेजेस हो, मतलब जो दिहाड़ी नहीं दी जा रही थी या पेमेंट्स नहीं दिए जा रहे थे, या अब्यूज बाय एम्प्लॉयर्स. तो ये जो ढांचे भी खड़े किए गए आपदा के वक्त, एक तरीके से ये डिजास्टर या क्राइसिस रिस्पांस के ढांचे बने थे, जैसे हेल्पलाइंस बने थे, लेबर मिनिस्ट्री ने हेल्पलाइंस बनाए, उसमें भी हम लोग ने देखा कि ये हेल्पलाइंस बने, मगर जब हम लोग ने यही समस्याएं या ग्रीवेंसेस या शिकायतें उनके सामने जब रखे गए, उनका कहना था कि अगर ये केवल उन मजदूरों के लिए है जो सरकारी काम से जुड़े हैं या किसी सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, मतलब उनका जो विजन है, उनकी जो सोच है, वो मतलब एक बिल्कुल इनविजिबलाइजेशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, तो छोड़िए तो इनफॉर्मल वर्कर्स इन द सिटी. तो एक तरीके से ये लॉकडाउन ने काफी कुछ एक्सपोज किया, मगर ये एक लंबे और स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिस पर हम लोग अपने वक्ताओं से और सुनेंगे. तो इससे मैं अब चाहूंगी कि मैं एक एक करके अपने आज के स्पीकर्स को बुलाऊं. तो सबसे पहले मैं ताहिर को बुलाना चाहूंगी. ताहिर एक खुद एक प्रवासी श्रमिक रहे हैं, जो लॉकडाउन के वक्त और लॉकडाउन के पहले बैंगलोर में एक थिएटर में काम करते थे. सो ताहिर इज अ माइग्रेंट वर्कर दैट यूज टू वर्क इन बैंगलोर इन अ मूवी थिएटर बिफोर द लॉकडाउन. ताहिर असम से हैं, सिलचर डिस्ट्रिक्ट से हैं, और जो एक फ्लड प्रोन इलाका है, बाढ़ प्रभावित इलाका है, और ताहिर अपने परिवार के सोल अर्निंग मेंबर हैं. तो ताहिर अपने खुद संघर्ष के बारे में हमें बताएंगे, और वो अभी आसाम में है, वहाँ पे रोजगार की तलाश में है, वहाँ अगर काम नहीं मिलेगा तो शायद ताहिर और बताएंगे अगर वो आगे की क्या सोच रहे हैं. तो हम लोग ताहिर से शुरू करें. ताहिर, आप वीडियो ऑन करना चाहेंगे? और ताहिर फिलहाल अभी हाल में स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क के साथ एक फेलो भी हैं, और मैंने सोचा ताहिर ही हमें इसके बारे में और बताएं. तो ताहिर थोड़ा सा शुरू, सबसे पहले सबको नमस्कार मैम. हेलो दीदी, सबको नमस्कार. जिंदाबाद 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 जी. तो ताहिर, हाँ, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, और अभी आसाम में अभी आप क्या कर रहे हैं, और अभी वहाँ पे रोजगार की क्या स्थिति है, और आप जैसे दूसरे जो युवा साथी हैं जिनके साथ आपने पलायन किया था, वो अभी क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में. हाँ ठीक है मैम.
मतलब मैं अभी घर पे हूँ। आज 2 साल हो गया घर पे, गांव पे हूँ। तो कभी कभी काम मिलता है। पहले पहले साल में तो जॉब कार्ड का थोड़ा सा काम मिला है, अभी इस साल में काम नहीं मिल रहा है। अभी हमारा क्या जीपी बंद है, कुछ काम नहीं हो रहा है अभी। कभी कभी मतलब क्या राजमिस्त्री का काम मिलता है, घर का काम है, मिट्टी का काम मिलता है, वही कर सकता है, कर रहा हूँ मैं अभी घर पे हूँ। पहले मैं जिस टाइम बेंगलुरु पे था, वो हमारा बहुत फ्रेंड का साथ हम लोग, मैं गया था मेरा एक फ्रेंड का साथ मैं बेंगलुरु पे गया। वो हमारा फ्रेंड लोग भी अभी गांव पे, बहुत सारा गांव पे है, 3-4 आदमी बाहर गया था बेंगलुरु पे, अभी मुंबई में है। वो अभी हमारा गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है ज्यादा, थोड़ा सा मिलता है, वो डेली नहीं है, कभी कभी मिलता है। तो अभी किस प्रकार का रोजगार अभी मिल रहा है गांव में या सिलचर में या असम के जी दूसरे मैम, शहर? अभी कोई किसी का भी घर का काम मिल रहा है, कोई भी मिट्टी का काम मिल रहा है और रोड का काम मिल रहा है। वो जो कंटिन्यू नहीं है, कभी कभी मिलता है। और अभी जो 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 पैसे मिलते हैं वो किस रेट से मिलता है, दिन का, महीने का? नहीं, दिन का मिलता है मैम वो, हम लोग का यहाँ पे हाजिरा काम बोलता है। सुबह से 8 बजे से शाम को 4:30-5 बजे तक काम करना चाहिए, तो शाम को 400 रुपया मिलता है। उसमें से तो परिवार नहीं चलता है, मेंटेन नहीं होता है, क्यों हमारा यहाँ पे सभी का चीज का रेट भी ज्यादा है, इसलिए ना वो परिवार भी मेंटेन नहीं होता है मैम। और ताहिर, अपना खुद का अगर बताओ कि आप कहाँ तक पढ़े हो और आपके साथ जो साथी जी गए थे बैंगलोर और मैसूर में भी रहे हो, तो उनकी क्या कहाँ तक पढ़े हैं क्या? हाँ, थोड़ा उनके बारे में भी बताएं। हाँ, मैं 2012 में फर्स्ट बेंगलुरु में गया था। हमारा मतलब एक आदमी के साथ फ्रेंडशिप हुआ, और फेसबुक से वो मेरे को बोला है तो आप क्या बेंगलुरु जाना है क्या, मैं बोला हाँ जाना है। उस टाइम मेरा पिताजी बीमार था, उसका मतलब पैसा चाहिए, डॉक्टर बोला है 40,000 रुपया लगता है उसको ऑपरेशन के लिए। उस टाइम हमारा परिवार में और कोई भी नहीं है, मेरा पापा पापा मम्मी है, हम लोग 4 भाई है, 1 बहन है। उस टाइम भी मैं भी उसका साथ गया था, जाके एक पीवीआर सिनेमास में वो काम करता था पहले, वो आदमी मेरे को लेके गया, जाके मैं पीवीआर सिनेमास में हाउसकीपिंग काम किया था 1 साल। काम करने के बाद मेरा पिताजी का ऑपरेशन हुआ, मैं यहाँ से जा मैसूर चला गया। जाने के बाद मेरा मम्मी भी डेड हो गया, मैं उस टाइम यहाँ पे था, मैसूर में था। जाने के बाद 4 महीने बाद में, डेड होने का 4 महीने बाद में मैं गांव पे आया था। आने के बाद मतलब फिर 2-3 महीना गांव पे है, बाद में फिर वापस चला गया बेंगलोर पे। जाने के बाद 2018 में मेरा पापा का डेड हो गया। वो हमारा सारे जो फ्रेंड लुक था, उसमें से कोई भी 12 पास है, कोई भी 10th 11 है, ऐसे ही पढ़ाई किया था। लेकिन अभी तो बेकार है, घर पे है, और कोई भी बेंगलुरु में काम कर रहा है, कोई भी मुंबई में काम कर रहा है, ऐसे ही। और बैंगलोर और मैसूर के अलावा और कहीं पे काम किया या कहीं और रहे? मैं थिएटर पीवीआर सिनेमास में काम किया था, हैदराबाद में काम किया था, मलापुर में, और लास्ट टाइम 2020 में अगस्त मंथ में ना दिसंबर मंथ में मैं चला गया आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में। उस टाइम तो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, मैं आ गया यहाँ से। और आंध्र प्रदेश और बैंगलोर में जो जो पैसा मिलता था असम की तुलना में क्या फर्क है? हाँ बो हाँ नहीं, मतलब यहाँ पे जो पैसा मिलता है, टाइमली पैसा भी मिलता है हम लोग का पीवीआर सिनेमास में, 1 तारीख को पैसा मिलता है, पेमेंट जो सैलरी रहता है वो भी मिलता है। हमारा गांव में कुछ काम करना है तो वो जो दिन जैसा बोलता है ऐसा नहीं मिलता है। 1 दिन का काम करने के बाद 3-4 दिन उसका साथ उसका घर पे जाना पड़ेगा, फिर जाके 400 रुपया तो 200 रुपया देता है, बोला है तुम्हारा 2 दिन बाद में आके 200 रुपया ले लो, ऐसे ही मिलता है। हमारा गांव में कैश भी नहीं मिलता है, ऐसा ही है, और इसलिए जो उसका तुलना हम लोग बहुत अच्छा है बेंगलुरु मुंबई है। जी मैम, और लॉकडाउन का टाइम में पैसा नहीं मिला मुंबई का, बेंगलुरु का और एक मंथ जब का पैसा बैंगलोर सभी का नहीं मिला। जी मैम, और जो जो वहां कंपनी के साथ जो काम करते थे उनके साथ क्या कैसा संबंध था, जो वहां के जो
जो थे कंपनी के मालिक या जो भी थे? हाँ, उसको मालिक को तो पता नहीं, हम लोग का एक फील्ड ऑफिसर का दरिया में काम किया था, लेकिन वो पहले पहले सोचा बहुत अच्छा आदमी था, जिस टाइम लॉकडाउन स्टार्ट हो गया उस टाइम भी बहुत मतलब अच्छा नहीं किया हम लोग का साथ, जैसे हम लोग फोन करता था उस टाइम फोन नहीं उठाता है, रूम का रूम मालिक हम लोग को रूम से निकाल दिया, तो बहुत प्रॉब्लम हुआ उस टाइम, अच्छा नहीं किया था हम लोग का साथ, पहले पहले बहुत अच्छा किया था, कभी कभी हम लोग जैसे ईद का टाइम में सैलरी 2 दिन 1 दिन पहले दे सकते हैं वो लोग, फिर कभी कभी दिवाली रहता है पूजा भी मिलता है उस टाइम भी हम लोग का, जैसे मतलब हम लोग का 1 तारीख पेमेंट मिलता है, कभी कभी 28 तारीख पूजा है दिवाली है ईद है उस टाइम हम लोग को 27 तारीख को हम लोग को पेमेंट देता है, इसे किया लास्ट टाइम में 2020 में लॉकडाउन का टाइम पे हम लोग का फोन भी नहीं उठाया, पैसा भी नहीं दिया, वो फील्ड ऑफिसर बोला मालिक भी नहीं दे रहा है, ऐसे ही बोला। और जब ये 10-12 लोगों का एक ग्रुप बना, तो हाँ मैम, ये आप सबने ये कैसे तय किया कि असम से हम लोग बैंगलोर जाएंगे, तो वो निर्णय कैसे लिया और हाँ, किसने मदद की? जो हाँ उस टाइम सुनिए, मैं जिस टाइम फर्स्ट एक बार मेरा एक फ्रेंड के साथ गया था बेंगलोर, जाने के बाद वापस गांव आया था, उस टाइम फील्ड ऑफिसर फोन करके मेरे को बोलाया जो तुम्हारा फ्रेंड लोग रहता है आदमी लोग मिलते हैं तो तुम लेके आ जाओ, हमारा यहाँ पे वैकेंसी खाली है, यहाँ पे आके काम कर सकता है, उस टाइम मैं लेके गया, जाने के बाद 1 साल बाद में बेंगलोर से मेरे को बोला है मैसूर में एक PVR सिनेमा न्यू ओपन हो रहा है, आप यहाँ से गाँव से 4-5 बंदा लेके आ जाओ, आके लेके यहाँ पे चला जाओ मैसूर में, बहुत अच्छा जगह है, मैं भी फोन करके मेरा फ्रेंड लोग गांव पे है वो लोग को बुलाया, वो लोग चला गया, जाने के बाद बहुत दिन एक साथ में था, फिर लॉकडाउन का टाइम में सभी अलग अलग हो गया, उसका घर पे चला गया, हम लोग भी घर पे आ गया, अभी भी मतलब फोन करके रहता है, बोलता है मैं यहाँ पे मुंबई में है, वो बोल रहा है मैं बेंगलुरु में ही चाहिए, 3-4 आदमी बाहर गया था सभी घर पे है अभी, तो गांव में कुछ कर रहा है, कुछ काम मिलता है, जैसे PHE का पाइपलाइन का काम मिलता है, और कभी कभी मिट्टी मिट्टी का काम मिलता है, राजमिस्त्री का जो कोई भी घर बनाता है उसका भी, जैसे क्या बोलता है बालू पत्थर मिट्टी वो भी करना है, हाजिरा काम बोलता है, सुबह 7 बजे जाता है, वो भी कंटिन्यू नहीं होता है मैम, जैसे मतलब बोलता है वो भी प्राइवेट है, वो बोलता है आज एक PMOIG का गौर आया था, उसका मटेरियल भी एक साथ में सभी पैसा नहीं आता है, 1 दिन काम होता है 2 दिन बाद में फिर मटेरियल भी खत्म होता है, वो बोलता है जाके आप लोग रेस्ट ले लो, जिस टाइम मटेरियल आता है उस टाइम हम लोग बुलाता है, इसे ही। और जब शहर में थे तो जी मजदूरी देने के अलावा, मतलब पैसे वेतन देने के अलावा, कंपनी ने और किसी प्रकार की सहायता की या सुरक्षा, चाहे वो घर घर या घर या खाना या इस तरीके से कुछ और सहायता मिली? नहीं, वो कुछ सहायता नहीं मिला है, सुरक्षा के बारे में जैसे हम लोग का काम पे देखा है जैसे रूल्स है ऐसा काम नहीं होता है, जैसे मतलब कुछ क्या देखता हो हम जिस टाइम में हाउसकीपिंग में काम किया था उस टाइम देखता हो जो ऊपर क्लीन करने के लिए जो हेमलेट देता है माथा में लगाने के लिए वो भी हेमलेट नहीं देता है, जो कुछ मतलब गंदा भी का काम सफाई करने का टाइम में ग्लोव देता है हाथ में ग्लोव भी नहीं मिलते, ऐसे ही करना है, वो भी सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं मिलता है, इसे ही मतलब वही सहायता किया, जैसे हम लोग 8-10 आदमी एक जगह में गया था उस टाइम, यहाँ पे बेंगलोर में एक रूम रखने के लिए 40-50 हज़ार एडवांस देना चाहिए, वो भी कंपनी वाला देता है, जो रूम का मतलब मंथली में जो भी देना है वो भी हमारा सैलरी से काट करके उसको दे सकता है, इसे कंपनी वाला ओनली जस्ट वही सहायता मिला है, जैसे हम लोग का पहले जाके इतना पैसा कहाँ से मिलता है, वो लोग इसलिए पैसा दे के रूम रखा है ऑलरेडी, हम लोग जाके जितना दिन था इतना दिन का पैसा काट करके रखते हैं ऐसे। और ताहिर, जब आप शहर में रह रहे थे या काम के लिए आपने पलायन किया, तो आपने कभी सरकार से कुछ कुछ सरकार की तरफ से कभी कुछ मिला या कुछ लेने गए, जैसे कि किसी मतलब वेलफेयर बोर्ड में रजिस्ट्रेशन है इस तरीके से का कोई कार्ड बना था, या किसी सूची से कुछ मिल पाया? जी मतलब अभी भी है ना, मतलब लॉकडाउन का टाइम में है मैम, उसके पहले भी कुछ नहीं मिला लॉकडाउन का टाइम में, मैं जिस टाइम कर्नाटक में है था, सॉरी विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश में था, उस टाइम 1 दिन थोड़ा रेस्टोरेंट मिला है विजयवाड़ा में, और कुछ नहीं मिला, और
जो संस्था से हमारा संस्था से सोन फेलोशिप का संस्था से बहुत हेल्प मिला है, पैसा मिला है यहाँ पे, मतलब गौर पूछना है उस तक मिला है, फ्लाइट का टिकट मिला है, वो सब भी मिला है सोन से। वो लॉकडाउन के वक्त लॉकडाउन के टाइम। और अब ताहिर आसाम, अब आप आसाम वापस आ गए हैं, तो हाँ, अभी वहां पे सरकार ने कुछ व्यवस्था की बनती है? मैं जिस टाइम आया था असम सिलचर में, मेरा डिस्ट्रिक्ट में, उस टाइम जिस टाइम मैं क्वारंटीन किया था यहाँ पे 7 दिन, करने के बाद जिस टाइम गांव आया, घर पे आया था, उस टाइम मतलब हमारा थोड़ा रेशन मिला था, 25 किलो चावल मिला है, 2 किलो प्याज मिला है, ऑनियन का 2 केजी का मिला है, आलू 5 केजी मिला है, 2 लीटर ऑयल मिला है वही खत्म में, और बाद तो अभी तो कुछ नहीं मिला। हाँ सुनिए ना, रोजगार को लेकर कुछ व्यवस्था या कुछ कुछ हो पाया है? कुछ नहीं मिला है। एक बार सुना है क्या, मतलब गवर्नमेंट को जो भी बाहर से आया गवर्नमेंट को लिस्ट देना है, मैं गांव से आने का बस सुना है, पंचायत एक दिन मेरे को बोला है, मैं फॉर्म फिलअप करके दिया था पंचायत को, अभी तो कुछ नहीं मिला। वो उस टाइम हमारा जो आसाम अभी सीएम है, अभी हमारा आसाम का, उस टाइम सुना है यहाँ से आने के बाद, मतलब बाहर से आने के बाद हम लोग का 100 दिन का काम देता है, वो जिसका जॉब कार्ड का बॉय पासबुक नहीं है उसको भी पासबुक बना के देता है, वो अभी तक तो मेरा भी पासबुक नहीं है, मेरा पिताजी का एक ही था, वो अभी तो अलाउ नहीं है, वो भी तो नहीं है ना, पिताजी डेड हो गया। हमारा घर पे मतलब कुछ जॉब कार्ड का पासबुक भी नहीं मिला है। अभी हमारा एक घर पिताजी का नाम पे एक PMYG का, उसको भी नहीं दे रहा है, वो अभी तक तो नहीं दिया। अभी हमारा मतलब कितना 4 भाई है 1 बहन है, हम लोग घर पे है, वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है वो मेरा तुम्हारा पिताजी का नाम पे आप लोग का नाम पे ट्रांसफर नहीं होता है, इसे ही बोला। बाद में मैं जिस टाइम हमारा सोन फेलोशिप का साथ बात करके और भी एक मेल किया था जेल में, अभी एक दिन मेरे को वीडियो फोन करके बोला है तुम्हारा ऐसा ऐसा आप क्या मेल भेज दिया, मैं बोला हाँ मैम, बाद में ऐसे ऐसा बोला ठीक है जिस टाइम आता है हम लोग मिल सकता है आपको, ऐसे ही बोला था और कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो ताहिर अभी के लिए एक आखिरी सवाल, फिर वापस आएंगे जी मैम। कि अभी अभी आपने क्या सोचा है कि आप आसाम में ही काम ढूंढेंगे या फिर से पलायन करना पड़ेगा, और बाकी जो सिर्फ आप नहीं आपके साथ भी जो आपके साथी थे जो दूसरे युवा साथी थे वो अभी क्या सोच रहे हैं? मैं भी और मेरा गांव का भी है जो भी मेरा बाहर का फ्रेंड लोग भी है, हम लोग एक दिन बात किया था फोन में, जस्ट बात करता था, उस टाइम हम लोग बुलाया था गांव में कुछ काम मिलेगा तो बहुत अच्छा होता है, जिस टाइम गांव में काम मिलेगा तो हमारा फैमिली भी मेंटेन हो सकता है, अभी कुछ गांव में कुछ काम नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करना है, मजबूरी से बाहर जाना पड़ेगा। जैसे मतलब हमारा गाँव का बहुत आदमी है, घर पे कुछ काम नहीं है, बहुत आदमी का घर पे खाना भी टाइम पे नहीं मिलता है, 3 टाइम खाना खाना है तो 1 टाइम खा रहा है, ओनली राइस में चावल मिल रहा है गवर्नमेंट से, वो जो क्या बोलता है BPL कार्ड का, APL कार्ड का 5 किलो करके वो भी मिल रहा है, और कुछ भी अभी हमारा गांव में चावल से भी रेशन का दाम रेट भी ज्यादा है, ठीक है, तो वो 5 किलो चावल से नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग वही चाह रहा हूँ, मतलब हमारा जो मतलब आसाम में कुछ मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होता है हम लोग के लिए, हमारा फैमिली भी देखता हो, बेंगलोर हम लोग रहता है, जिस टाइम हम लोग रात को सोता है उस टाइम हम लोग को बहुत भी याद आता है, जैसा हमारा भाई कहाँ पे, मम्मी कहाँ पे, बहन कहाँ पे, क्या कर रहा है, खाना खाया क्या, ऐसे बहुत याद भी आता है, क्या करना है उस टाइम हम लोग मजबूरी से। मेरा सबसे छोटा भाई मेरा बाजू में देखा है क्या देखा है वो सबसे 10 साल का है मेरा। हाँ जी जी ठीक है ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया, अभी वापस आएंगे, और खास करके ये भी सुनना चाहेंगे कि जब दूसरे जो प्रवासी श्रमिकों से जो मिले फेलोशिप के दौरान भी मगर आज के चर्चा में भी, तो क्या लगा कि जो अपना अनुभव है वो कितना मिलता जुलता है, कितना अलग है, उस पर भी थोड़ा सुनना चाहेंगे। अब, तो मिलके बहुत अच्छा लगा था। ठीक है दीदी, अभी अभी वापस आएंगे ताहिर, दूसरे वक्ता के पास जाते हैं, अशोक अशोक मुंडरी एक प्रवासी श्रमिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वो झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला से हैं, और उन्होंने 2019 में तमिलनाडु में 1 साल काम किया था, और फिर 2020 को
हैदराबाद तेलंगाना में काम किया और वहां पे लॉकडाउन जब लगा तो उनको वापस आना पड़ा। वापस आने के बाद उन्होंने एकजुट संस्था के साथ वैक्सीनेशन जागरूकता का कार्य किया और अब टीआरटीसी चाईबासा में ट्राइबल रिसर्च सेंटर में वो वन अधिकार और प्रदान संस्था के साथ भी काम कर रहे हैं। और इसके अलावा 2020 में राज्य सरकार ने जो एक रजिस्ट्रेशन ड्राइव चलाया उस वो अपने क्षेत्र में वो काफ़ी सारे युवाओं को लड़के लड़कियों को बिना जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था उनमें उन्होंने मदद की। तो हम थोड़ा अशोक से सुने, आपका वीडियो ऑन है। संवाद में शामिल हुए हमारे साथियों मीरा जी, अनिंदिता जी, ताहिर जी, सुनील जी, परवीन जी एवं सभी हमारे फेसबुक चैनल में भी सुन रहे हमारे साथियों को सभी हमारे ओर से जरकांडी जवार है, जिंदाबाद। आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल जिंदाबाद बोलिए। मैं वीडियो ऑफ करके कुछ बोलना चाहूंगा। नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, आप बोल सकते हैं। वीडियो अगर कटेगी तो फिर आप बंद कर सकते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे अभी ऐसे तो पलायन बहुत पहले से होते आ रहा है, लेकिन पलायन को मैंने बहुत करीबी से देखा है अपने अनुभव को। जैसे पलायन आदमी तीन चार कारणों से जाता है। जैसे तो पहला कारण है कि अपना आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जैसे अपना ही क्षेत्र में कुछ काम जिस मकसद को पूरा करना चाहता है वो मकसद को पूरा करने लायक काम नहीं मिल पाता है। जैसे मैं अपना ही उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे मैं 2013 में सबसे पहले मैं इंटर लिखा था, उस समय मेरा पास साइकिल नहीं था कॉलेज जाने के लिए। तो मैंने सोचा बेंगलोर में मेरा संगति के साथ गया था, दोस्त लोग के साथ, चलो बहुत कोई जाता है बेंगलोर काम करने, चलो हम भी चलेंगे। तो 2013 में सर्वप्रथम मैं बेंगलोर गया था, फिर बेंगलोर में वहाँ हम बारबेंडर काम है वहाँ काम किए थे। वहाँ अप्रैल 2013 को हम गए थे, वहाँ हम लोग को बिल्डिंग लाइन में बहुत, जिसे हम कभी जिंदगी में नहीं काम किया था उसे काम करना भी पड़ा। जैसे सरिया बोलते हैं मोटा मोटा रास्ता, उसको भी ढोना पड़ा बहुत। फिर भी वहाँ अगर नहीं काम करोगे तो फिर वो लोग को बोलता है कि वापस जाओ, फिर अकेले में वापस आना जरखंड भी संभव नहीं लगा। इसलिए मैं वहीं दोस्त लोग के साथ अप्रैल से जुलाई तक मैं काम किया वहाँ पे। फिर बेंगलोर से मैं जुलाई लास्ट को वापस आया, फिर अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। उसके बाद हम फिर 2018 को मैं एक बाइक लिया था फाइनेंस में, तो 22 में फाइनेंस जमा करने के लिए परिवार में इसे सक्षम नहीं होने के कारण मजबूरी में, वो भी मेरा दोस्त यारों के साथ और हमारे गांव का बहुत साथी लोग चाचा लोग के साथ हम तमिलनाडु गया। उसमें तमिलनाडु में स्कैफोल्डर काम था बिल्डिंग लाइन में, उसमें काम करने गया। वहाँ काम करने के बाद हम लोग जैसे गए वहाँ पे दो तीन जगह हम लोग को घुमाया गया। पहला जिस जगह गया था वहाँ पर काम शॉर्टेज होने के कारण हम लोग को कम से कम दो सप्ताह हम लोग को सिर्फ वहाँ सिर्फ खाना दे रहा था, तो सब्जी भी ठीक नहीं दे रहा था, वैसे ही फिर रहना पड़ा। लास्ट में फिर वहाँ से हम लोग को अपना ठेकेदार तमिलनाडु के ही हम लोग को दूसरा जगह लेके गया, वहाँ फिर काम शुरू हुआ। जैसे तमिलनाडु सबसे फेमस है सबिता इंजीनियर या सबिता हॉस्पिटल बोलते, वहाँ कैंपस में ही वहाँ हम लोग को काम मिला। फिर वहाँ हम लोग बिल्डिंग लाइन में सपोल्डर का काम किया। फिर वहाँ पे अच्छा है हम लोग को, वहाँ शुरू में हम लोग हमको अनस्किल मैंने हमको सपोल्डर स्कैफोल्डर काम में उतना पकड़ नहीं होने के कारण हमको 8 घंटा का 450 की देता था। उसके बाद 3-4 महीना काम करने के बाद मेरा अनुभव रहा, फिर मिस्त्री काम सीख गए स्कैफोल्डर का, जैसे हाइट में चढ़ना और आउट एरिया में काम करना सीख गए। उसके बाद मेरा सैलरी भी बढ़ गया, तो एक दिन का 8 घंटा का हमको 800
800 बोले 500 मिलता था। फिर तमिलनाडु से हम वापस आए फरवरी महीना 2020 फरवरी को हम वापस आए तमिलनाडु से। फिर फरवरी को हम वापस आने के बाद फिर गांव में मांगे पर्व पुगा रहा था, मांगे पर्व मनाने के लिए। देखिए एक साल हम बाहर में थे तो मांगे पर्व और हमारे भाई बहन और परिवार से मिलने के लिए हम वापस आए। फिर वापस आने के बाद मेरा वहाँ तमिलनाडु में अच्छा काम क्षेत्र में थोड़ा फाइल एक्टिविटी था और वहाँ का साइट इंजीनियर और वहाँ का प्रोजेक्ट इंजीनियर लोग से हमारा अच्छा बर्ताव होता था और हमको थोड़ा हम लोग का ठेकेदार मिस्त्री भी हमको थोड़ा रेस्पेक्ट देता था और मेरा काम भी अच्छा करते थे और रिस्पॉन्स समझते थे काम को, इसलिए हमको एक ऑफर मिला था हैदराबाद तेलंगाना में हमको रेफर किया था। तेलंगाना हम गए थे फिर झारखंड आने के बाद 18 मार्च 2020 को वहाँ, जैसे 18 मार्च को हम लोग ट्रेन में गए 18-20 को हम लोग पहुंचे वहाँ तेलंगाना। जैसे पहुंचे हम लोग एक दिन रेस्ट किए 21 को, फिर 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा। जनता कर्फ्यू करने के बाद फिर 15 दिन का लॉकडाउन हुआ, यानी कि हम तेलंगाना में जाने के बाद 15 दिन लॉकडाउन में फंसे। फिर 15 दिन के बाद 3-4 दिन सिर्फ कंपनी में काम किए। 3-4 दिन काम करने के बाद फिर हम लोग को ऐसे ही काम फिर बंद हो गया। पुलिस लोग आया वहां पर कि काम बंद करो ये करो बोल के कंपनी घुस गया। फिर हम लोग अपना रूम में ही ऐसे रहते थे। तो फिर बीच में हम लोग नहीं काम करते तो फिर जो खाना पीना पहले अच्छा से मिलता था, तो लॉकडाउन में हम लोग को काम नहीं होने के कारण खाना पीना ठीक से नहीं मिला। फिर हम लोग थोड़ा कुछ दोस्त लोग मिल करके फेसबुक वगैरह चलाते थे तो हम लोग शिकायत काफी किए थे। जैसे सरकार में कोरोना रिलीफ टीम एक टीम था और हमारे साथी लोग भी था बहुत झारखंड से जो हम पहले से ही जानते थे पश्चिम सिंहभूम का, उन लोग का नंबर में कॉल किए कि हम लोग इस स्थिति में फंसे हम क्या करेंगे। तो कुछ हेल्पलाइन नंबर था अलग अलग स्टेट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का था, तो हम लोग भी तेलंगाना क्षेत्र का ही एक हेल्पलाइन नंबर मिला, उसमें कॉल करने के बाद हम लोग शिकायत किए कि हम लोग इस तरह लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, यहाँ जगह लोकेशन सब बता दिए। फिर हम लोग को खाना वाना का बहुत दिक्कत है बोल के शिकायत की। फिर वहाँ का लोकल प्रशासन आने के बाद हम लोग से इंक्वायरी लिया। इंक्वायरी लेने के बाद हम लोग को वहाँ चावल ला दिया ट्रक में, सबको ही वहाँ उस बस्ती में था सबको दे दिया। जैसे संख्या बताना पड़ा, हम लोग वहाँ रूम में 15 जन थे, 15 जन को भी चावल मिला। एक व्यक्ति के पीछे 20 किलो मिला, वो भी जैसे वैसे चावल मिला जैसे हम लोग झारखंड का है। हम लोग तो दूसरा दाना का हम लोग चावल खाते हैं, जैसे दूसरा स्टेट तेलंगाना में अरवा चावल मिला। जो अरवा चावल का खाना खाने में थोड़ा हम लोग को झारखंडी तो अच्छा नहीं लगता था, गीला गीला खाना बनता था। फिर वैसे करके हम लोग तेलंगाना में बहुत मुश्किल में हम लोग दिए। फिर तेलंगाना से फिर नहीं ऐसे ऐसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कुछ हमारे दोस्त लोग और हमारे फेसबुक का फ्रेंड लोग बहुत कोई डिफेंस में था एक बगल गांव का, हम उसको भी कॉल किए कि भैया हम लोग इस तरह फंसे क्या करेंगे। तो इधर उधर से हेल्प मिलने के बाद बहुत कोई सलाह दिया कि लोकल प्रशासन से हेल्प प्रशासन से बात करो, फिर वहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद आने का कुछ सुविधा मिलेगी। फिर लोकल प्रशासन से हम लोग बात किए, वो ओपी थाना है वहाँ पे, वो थाना का नाम याद नहीं आ रहा है। अशोक मैं थोड़ा सा यहाँ पे आना चाहती हूँ क्योंकि ये जो लॉकडाउन का अनुभव है ये बहुत बहुत ही मतलब सबके जिंदगी में खास करके प्रवासी श्रमिकों की जिंदगी में बहुत एक बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण एक रहा अनुभव। मगर थोड़ा सा अगर मैं चाहूंगी कि लॉकडाउन से अगर हम लोग थोड़ा आगे देखें और या लॉकडाउन से भी थोड़ा हम लोग एक कदम पीछे लें तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं कि प्रशासन और सरकार ने से क्या मदद मिली या नहीं मिली, या जो कंपनी है उससे क्या मदद मिली या नहीं मिली, थोड़ा सा उसके बारे में। और थोड़ा सा अब आप वापस आ गए हैं तो अब वहाँ गांव के जो युवा हैं जो आपके साथ थे वो अब क्या सोच रहे हैं रोजगार के बारे में और अपने मतलब अब आगे क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी अगर बताएं
लॉकडाउन के अनुभव से थोड़ा हटकर? जैसे वहां से मैं तो आने के बाद पहले से जो सोशल एक्टिविटीज थे, तो उसके बाद हमको सोशल सेक्टर में काम कंटिन्यू अभी मिल रहा है, और अभी फिलहाल भी मैं एक बूथ में कार्यरत हूँ। मैं इस लॉकडाउन के बीच का, और मेरा एक दोस्त है, हम उसका उदाहरण देना चाहूंगा, ये हकीकत भी है, मेरा ही क्लास फ्रेंड हुआ करता था। जैसे उसने भी फरवरी महीना को बेंगलोर गया था, जैसे वो अपना परिवार को चलाने के लिए बेंगलोर गया था, तो जैसे पेंटिंग वगैरह काम करने के लिए, उसका नाम बायोगोद्रा है, वो गया था। तो जैसे फरवरी महीने में गया तो एक महीना वो काम किया, फिर मार्च को लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में वो भी बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ। फिर लॉकडाउन में वो लोग को, हम लोग के, हम तो तेलंगाना में हम लोग को खाना पीना मिलता था, लेकिन वो लोग को तो काम बंद हुआ, मैंने खाना पीना भी अपने से ही करना पड़ता था, जितना वो लोग काम किया था उस सैलरी से ही माइनस करते करते कुछ दिन दिया, कि उस उम्मीद में कि शायद 15 दिन के बाद फिर ओपन होगा काम, तो हम लोग करेंगे उस उम्मीद में। फिर 15 दिन बीतने के बाद भी उससे वो लोग को काम नहीं मिला, तो फिर खाना पीना का बहुत मुश्किल हुआ। फिर वो लोग जैसे खाना पीना व्यवस्था करने के लिए घर से वो लोग का अकाउंट में पैसा भिजवाता था, फिर खाना पीना का अपने व्यवस्था करता था। फिर लास्ट में वो लोग भी रजिस्ट्रेशन और इधर उधर फोन भी कर रहा था मदद मांगने के लिए, लेकिन वो लोग भी कोई मदद नहीं मिला। तो अंत में वो लोग तीन जान मैंने दोस्त मिल करके डिसाइड लिया कि नहीं, घर से हम लोग इस तरह पैसा भिजवाएंगे, फिर साइकिल से उन्हें सभी हम लोग झारखंड जाएंगे, ये सोचा उसने मेरा दोस्त। फिर वो लोग को घर से पैसा भिजवाया, फिर एक साइकिल खरीद करके, तीन व्यक्ति साइकिल खरीद करके बेंगलोर से झारखंड आना पड़ा, जो वो लोग का सफर हम पूछे आज भी मिल करके, और उस समय भी बताया जैसे बेंगलोर से आना पड़ा बहुत दिक्कत, जैसे आता है और 12-1 बजे सिर्फ दिन को आराम करता था, चूड़ा कहीं होटल वगैरह, और उस समय सड़क में बहुत प्रशासन लोग भी था सेवा करने के लिए, तो वहाँ खाना वाना खा करके फिर रात को वैसे ही 8-9 बजे फिर सोता है कहीं पर भी, बस स्टॉप वगैरह पुलिया वगैरह कहीं पर पेड़ नीचे भी सो करके आया। फिर उसने मेरा दोस्त अपना अनुभव बताया, फिर वो कभी भी, अभी हम मैंने अभी उसका कहना है कि हम कभी भी अभी पलायन करने नहीं जाएंगे, लेकिन उसको पलायन करने नहीं जाएंगे ये बोला, हम अपने से ही स्वरोजगार करेंगे ये सोचा। फिर उसने समिति, जैसे गांव गांव में SHG चलता है, उससे वो 50,000 लोन लेकर के, 50,000 लोन लेकर के बागान सब कर रहा है, क्या बागान सब किया, फिर सुअर सब पालन किया, मैंने कुछ ना कुछ काम करेंगे बोल के। फिर उसी बीच में जैसे झारखंड के जो इस मन से भी हमको जुड़ने का जो मुकसद दिया है सिराज दत्ता, हम उसको बोले थे कि ऐसे ऐसे मेरा दोस्त पलायन में आया बोल के, तो सिराज दत्ता से सहयोग लेकर के बहुत इधर उधर न्यूज में दिया। फिर उसके बाद उसको जिला तरफ से साकर्य विभाग से जो सरकार का एक योजना है 40% सब्सिडी के तहत मैंने लोन कुछ देता है ऐसे बेरोजगार युवक को, तो उसको भी उस रोजगार में हम अपने स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहा, लेकिन अभी तक उस सहकारिता विभाग में 1 साल उसको दौड़ाया गया है। पिछले 2021 को फरवरी महीने में फॉर्म जमा किया है, लेकिन अभी तक उसका लोन का सेंशन नहीं हुआ। अभी मेरा दोस्त इस तरह मानसिक भी बन रहा है कि मैं 50,000 SHG से भी लिया इस उम्मीद से कि अगर हम सहकारिता विभाग से लोन लेंगे तो उसको हम चुकता करेंगे और हम अपना बिजनेस को और अच्छे से डेवलप करेंगे और बागवानी काम को अच्छी तरह से करेंगे, लेकिन अभी समय से नहीं मिल रहा, अभी तक उसको लोन नहीं मिला है। अभी मुसीबत ऐसे आ रहा है कि शायद कुछ दिन के बाद, 10-15 दिन के बाद फिर मजदूरी में वो पलायन जाने को भी सोचते हैं। तो एक एक आखिरी एक दो सवाल अशोक, एक तो है कि जो आप पहले से भी संगठन से जुड़े हैं और फिर बीच में पलायन हुए, तो
जहां पे पलायन किए वहां पे आपको लगा कि अगर संगठित तरीके से या संगठन बनाया प्रवासी श्रमिकों का तो शायद एक तरीके से आपकी जो स्थिति थी वो जितनी गंभीर थी शायद उसको कुछ सुरक्षा मिल सकती थी या संगठित होकर मांगे अगर एक तरीके से ज्यादा मांगे उठाई जा सकती थी सरकार से या प्रशासन से या कंपनी से। जी हाँ जैसे जैसे उन लोग भी मैंने मदद तो मांगा था प्रशासन से लेकिन हो सकता है ठीक से संपर्क नहीं हो पाया होगा। उन लोग का कहना है जैसे बेंगलोर का तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में था जो काफी इंटीरियर क्षेत्र था तो वहां से सिटी जाने के लिए भी उस समय तो लॉकडाउन था गाड़ी उड़ी का सुविधा नहीं था इस कारण भी वो लोग ठीक से संपर्क नहीं हो पाया इसी मजबूरन के साथ लोग को साइकिल से आना पड़ा। अभी मगर कंपनी ने आपको संगठित होने दिया आप उस तरीके से कुछ ग्रुप बना पाए थे। उन लोग जैसे कंपनी मिस जैसे एक इंडस्ट्रियल कंपनी नहीं वो लोग जैसे बिल्डिंग लाइन में कंस्ट्रक्शन लाइन में बड़ा रोल नहीं होता है उसमें लोकल टाइप का काम मिलता है कंपनी तो नहीं कहेंगे जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में बिल्डिंग का जैसे हम लोग झारखंड में धान का खेती करते हैं बोला जाता है वहाँ बिल्डिंग का खेती करता है कोई आदमी बिल्डिंग बना करके रेंट में चढ़ता है बड़ा में चढ़ता है इस तरह का तो वो कंपनी तो नहीं बोलेंगे लेकिन जैसे ठेकेदार है गाँव में कुछ संगति बना कर जाता नहीं वो ठेकेदार के हम बहुत पहले से काम करते हैं वहाँ जाएंगे तो अच्छा होगा काम अच्छा मिलेगा ये मकसद से उठी गया जैसे मेरा हम अनुभव बताएं जैसे जिस ठेकेदार में हम काम किए थे तमिलनाडु में जिस समय काम कंटिन्यू चल रहा था उस समय ठेकेदार बहुत अच्छी तरह हम लोग से साथ कम्युनिकेशन करता था अच्छी बात करता था अच्छी पेमेंट देता था लेकिन जिस तरह हम लोग को काम बंद हो गया लॉकडाउन में हम लोग को तो तमिलनाडु में था हम लोग तेलंगाना हम लोग का अकाउंट में पैसा बेच के ही कुछ मैंने खरीदने का देता था लेकिन जिस समय हम लोग 15 दिन लॉकडाउन हुआ उस समय अच्छा दिया फिर लॉकडाउन बढ़ गया फिर धीरे धीरे करके पैसा देना बंद किया उसको लगा होगा लोग काम नहीं होगा काम पैसा हम लोग बहुत रिक्वेस्ट की मिस्त्री हम लोग को झारखंड जाने के लिए पैसा भेज दो जैसे कि बगल में वेस्ट बंगाल का था पश्चिम बंगाल का कुछ लड़का लोग वो लोग तो उन लोग का ठेकेदार वहीं रहता था वो लोग खुद बस रिजर्व करके वो लोग तो पश्चिम बंगाल जाना पड़ा लेकिन हम लोग इतना मैंने निवेदन करने के बाद भी हम लोग का जो ठेकेदार है हम लोग को पैसा नहीं दिया। अभी हमको आने के बाद लगा कि एक ठेकेदार जो हम लोग को लेके जाता है वहाँ हम ही लोग कमा करके ठेकेदार को देते हैं तब जाके वो लोग का जो परिवार चलता है अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो उन लोग का परिवार ना तो बराबर चलेगा। जैसे लॉकडाउन आने के बाद ठेकेदार जैसे लॉकडाउन पूरा खत्म हो गया बहुत कोई पलायन करने जा रहा था बस रिजर्व करके उस समय जैसे बहुत कोई भी किया उस बीच में हम बहुत लोग को जागरूक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए हम लोग कि हम कुछ फंसे हैं हम पढ़े लिखे लोग इस तरह फंसे हैं बाहर ठेकेदार काम रहता है तो हम लोग को अच्छा से बात करता है मजदूर से जैसे ही काम समस्या हो जाता है जैसे कोई बीमार हो जाता है काम करने नहीं जाता है तो ठेकेदार थोड़ा मैंने उन लोग से अच्छा नहीं बात करता है उन लोग के कि काम मान लो ज्यादा दिन एब्सेंट करोगे तो ये बोलेगा कि तुम काम नहीं करेगा नहीं करोगे तो रूम में क्यों क्या करते हो घर वापस जाओ इस तरह भी बात बोलता है क्योंकि जैसे हम तमिलनाडु में काफी बड़ा एक्टिव थे क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकूं क्योंकि एक दो और लोगों से हम लोग सुनते हैं फिर दूसरे राउंड में थोड़ा फिर वापस आपके पास आएंगे और हो सकता है दूसरे वक्ताओं के सवाल भी होंगे आपके लिए तो और एक बोलना चाहूंगा हाँ। जैसे इसमें चुनौती भी है जैसे पलायन के लिए हम थोड़ा स्पष्ट क्योंकि हम जिस लॉकडाउन में आने के बाद हम अपने आप को एक सीख मिला कि कोई भी पलायन करने लेके जाता है ये सिर्फ अपना आवश्यकता को पूरा करने के लिए सिर्फ लेके जाता है ठेकेदार बार बार उस समय हमको भी ठेकेदार और वहाँ का MD भी फोन किया था कि बाबू तुमको पैसा भेजेंगे और तुम लोग को बस रिजर्व करके आओ 15-20 लड़का को लेके आओ क्योंकि उसको काम अगर हम लोग करते हैं तो उसको पैसा मिलता है
हम लोग को तो मिलता है अलग बात है, लेकिन हम लोग काम करते हैं तो उसको जैसे तमिलनाडु में हम लोग जर्कन लेबर लोग को 400-500 देता है, लेकिन वही जगह सेम काम तमिलनाडु का ही लेबर काम करता है तो 800-900-1200 देता है। इसमें हमने जर्कन का जो मजदूर है बाहर के लिए सस्ता मजदूर में गिना जाता है, इसलिए भी शायद ज्यादा से ज्यादा जर्कन के लोग हम लोग कर्नाटक और तमिलनाडु में ही हम लोग को लेके जाता है और हम लोग भी जाते हैं, लेकिन जर्कन की तुलना में ज्यादा मिलता है अलग बात है, लेकिन वहाँ के लेबर से हम लोग कम दिया जाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अशोक जी थोड़ा सा मैं यहाँ पे और दो मिनट हम कहना चाहूंगा, दो मिनट बहुत सीरियस, अभी अभी और समय है, ये आखिरी बार नहीं है, हम लोग वापस आएंगे, कंटिन्यू तो इसलिए थोड़ा हम बोलना चाहेंगे। जैसे हम लोग को लॉकडाउन में आने के बाद कुछ ओपन भी हुआ, बस में जाना पड़ा, उस बीच में जर्कन में इश्यू हुआ था जैसे श्रमिक कार्ड बनाने का, तो हम लोग काफी आदमी लोग को भी हेल्प किए थे श्रमिक कार्ड बनाने में, तो इसमें हमारे ही पश्चिम सिंहभूम बगल गांव के ही है दोपहर गांव का विकास दिए बोल के, वो लोग 28 अगस्त को वो लोग को 17 अगस्त को वो लोग को 13 अगस्त 2020 को वो लोग बेंगलोर नहीं 2021 13 अगस्त 2021 को जाने वाला था बेंगलोर, तो हम लोग कुछ दोस्त लोग मिलकर के वो लोग को रोके थे बस को कि अगर यहाँ से कुछ मजदूर को लेके जाते हो तो ये लोग को रजिस्ट्रेशन करा करके जाए, ताकि उस समय सरकार भी एक गाइडलाइन जारी किया था जर्कन में कि कोई भी पलायन करने जाएगा तो रजिस्ट्रेशन करके जाए, तो हम लोग रोके थे ये हमारे ये के एक बस में जा रही थी जैसे विकास थी हम बताए वो लोग, तो हम लोग रोके थे, फिर रोकने के बाद हम लोग को एक दो दिन में प्रशासन से संपर्क करके फिर ब्लॉक में संपर्क करके वो लोग को श्रमिक कार्ड बना करके दिए, वो लेबर गया था 17 अगस्त 2021 को, 17 अगस्त 2021 को गया था, जैसे बेंगलोर पहुंचा कुछ दिन एक ही दिन सिर्फ कंपनी में इन किया था काम करने में, फिर बीमार होने लगा, उसको बीमार होने के बाद वहीं बेंगलोर में माने एक्सपायर हो गया, फिर उसको वापस आना पड़ा, लेके आया एम्बुलेंस में वह कंपनी में हेल्प करता और गांव वाला ज्यादा था इसलिए उसको 28 अगस्त को डेथ बॉडी फिर वापस आया। इस तरह भी पलायन में बहुत चुनौती भी है। जी मैम ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया अशोक जी, इससे मतलब आपका जो पूरा जो एक यात्रा रही है अनुभव रहा है इसी के आधार पर हम लोग एक अगर विकल्प सोचे भी तो हमें ये इन सब पहलुओं से गुजर के ही एक विकल्प वैकल्पिक सोच हम लोग वहां तक पहुंच पाएंगे। तो जस्ट टू आई कांट ट्रांसलेट एवरीथिंग दैट हैज बीन सेड बिकॉज देयर वर मेनी डिटेल्स that it will be that will really be lost, but just for those for the sake of those who are not able to follow all of it, with these two accounts we've heard two really detailed stories of both the journey, the migration journey before the lockdown, and then all the difficulties faced during the lockdown, and very fickle relationships with contractors, with companies, who even if they treated them with some dignity and also a certain and offered some kind of support, which came in the form of small amounts of money before a festival or advance payments, etc. All of that certainly collapsed during the lockdown, was one of the salient points. And as you maybe guessed, we were trying to push the conversation also beyond the lockdown. Clearly, the lockdown has been a searing experience for migrant workers, and it's a defining moment because both in terms of recognition of their own identity as workers, but also the collapse of both the
the administrative and the bureaucratic and the government system and the employers, as informal as that system is, none of that held during the lockdown period. So both Ashok and Tahir talked about their experiences in Bangalore, Telangana, Andhra, and Mysore. So the other aspect that they touched on was what they have done since they've returned. So Tahir talked about how there is still really no employment for young people in his district or in his village. He would like to be able to get small loans to be able to start a small business, which doesn't have access to that kind of money. Ashok talked about raising a small amounts of money to do something similar through groups. He talked about the importance of organizing, but also the sort of collective raising of demands did not quite materialize where he was working as a migrant worker. And Ashok's own experience now in Jharkhand, he is trying to register workers for labor cards, which will allow some access to some form of social security, but it's sort of the benefits of that are still yet to come. So I think I'll just leave it here and move on to our next speaker, Mehzabeen. Mehzabeen is from Guwahati. She works with an organization called Yuva. She finished her... इन्होंने अपने माइक ऑन किए हैं थोड़ा म्यूट कर लें प्लीज जी सो Mehzabeen has done a master's in sociology from Guwahati University. She worked as a teacher for 2 years in schools and colleges in Assam, I think, Mehzabeen, and then shifted to do social work, focusing particularly on inequality and injustices that she encountered, and then began to work with Yuva in 2016. Her work is in informal settlements in Guwahati to facilitate legal entitlements, housing rights, food security with unorganized sector workers. And in the last couple of years in particular, she has been associated with state and national campaigns on housing, food security, NRC and labor. And she's also the regional point person for UNMCY. Mehzabeen, will you tell us what UNMCY is? It is the United Nations Major Group of Children and Youth. Yeah. Okay. For SDGs. Yes. Okay. So, हिंदी में Mehzabeen गुवाहाटी से हैं और उन्होंने अपना सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया है. एक युवा संगठन या संस्था के साथ काम करती है और इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में उनका काम रहता है गुवाहाटी और गुवाहाटी के आसपास के बस्तियों में, खास करके जहाँ पे कानूनी व्यवस्था से जोड़ने का काम, खास करके आश्रय, खाद्य सुरक्षा और जो इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिक हैं उनके हकों और अधिकारों के लिए काम करती हैं. तो Mehzabeen, इससे लेट्स हियर फ्रॉम यू अबाउट योर एक्सपीरियंस बोथ वर्किंग विद माइग्रेंट वर्कर्स इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, बट मोर ब्रॉडली स्पीकिंग द इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क इन द सेटलमेंट्स दैट यू हैव स्पेंड टाइम इन. थैंक यू अनिंदिता. जिंदाबाद सभी को. आज जुड़े हुए क्षेत्र में सभी साथियों को मेरा जिंदाबाद और जो फेसबुक लाइव पे भी जुड़े हुए हैं. हमने इससे पहले जो दो स्पीकर ताहिर और अशोक से सुनाई है, जो उनके एक्सपीरियंसेस है जो वो लॉकडाउन में फेस किए हैं एज अ माइग्रेंट वर्कर, तो मैं थोड़ा फोकस करना चाहूंगी कि बियॉन्ड लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन से भी पहले जो एक्चुअली माइग्रेंट वर्कर जो फेस करते आ रही है. और जैसे अनिंदिता ने इंट्रोड्यूस किया कि मैं एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ, युवा नाम है मेरे संस्था का, यूथ फॉर यूनिटी एंड वॉलंटरी एक्शन, और हम बेसिकली गुवाहाटी में ही काम करते हैं. तो जो गुवाहाटी के बस्तियां है, जो स्लम्स है या इनफॉर्मल सेटलमेंट्स है, वहां पर हमारे काम होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के साथ. तो वहां पर जो हमने माइग्रेंट वर्कर्स, हम जो हम डे टू डे मिलते हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स की जो चैलेंजेस है वो मैं थोड़ी फोकस करना चाहूंगी.
ऐसी बात है कि जो गुवाहाटी शहर है वो शहर बहुत ही नया शहर है और रैपिडली बहुत ही डेवलप हो रहा है ये शहर, और नॉर्थ ईस्ट का सबसे ज्यादा हब है, नॉर्थ ईस्ट का हब माना जाता है गुवाहाटी को, क्योंकि ये गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी बोला जाता है इसे। और लोग यहाँ पर माइग्रेट होते हैं सिर्फ मतलब आसाम के जो डिस्ट्रिक्ट्स है, आसाम के जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट से भी माइग्रेट होते हैं गुवाहाटी में, नॉर्थ ईस्ट के अलग डिस्ट्रिक्ट से भी माइग्रेट होते हैं गुवाहाटी में, और लोग ज्यादातर एडुकेशन और एम्प्लॉयमेंट ये सब तो हम जानते ही है, उस वजह से ही माइग्रेट करते हैं। और यहाँ पर और एक बात है कि जो आसाम को माना जाता है कि बहुत ही ये फ्लड अफेक्टेड एरिया है, आसाम के जितने भी गांव है या विलेजेस है ज्यादातर फ्लड्स अफेक्टेड है, अपर आसाम हो या लोअर आसाम हो, यहाँ पर छोर एरियाज भी है जो ज्यादातर फ्लड से इफेक्ट होते हैं एवरी ईयर, और उसी में ज्यादातर लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो वो जो जितने भी लोग डिस्प्लेस होते हैं वो डिस्प्लेस हुए लोग भी गुवाहाटी आके ही सेटल होते हैं, तो जब वो गुवाहाटी आके वो एक रीजन है। और एक रीजन है कि जैसे बाढ़ आती है गांव में, बाढ़ आने के कारण इरोड हो जाते हैं लैंड, वो जैसे मैंने बोला है डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और इरोशन की वजह से लोगों के लैंड एक बड़ा ही बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर लैंड एक बड़ा क्वेश्चन है, लोगों के पास अपना सेटल्ड लैंड नहीं होने के कारण ज्यादातर इनफॉर्मल वर्क भी बढ़ गया है यहाँ के विलेजेस में, तो इसी वजह से भी लोग मतलब गुवाहाटी आके सेटल होते हैं और माइग्रेट होते हैं। और जब गुवाहाटी माइग्रेट काम के वजह से हो, काम के वजह से ही ज्यादातर लोग जब माइग्रेट होते हैं आकर वो बसते हैं ये इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में। जो यहाँ पर इनफॉर्मल सेटलमेंट्स है, यहाँ पर स्लम की ग्रोथ है, एक तो अपनी रेलवे की जो जमीन है उसी जमीन पे वो लोग बसे हुए हैं, या नहीं तो यहाँ पर हिल सेटलमेंट्स बहुत ही ज्यादा है, हिल एरियाज है एक, तो वो हिल में भी लोग बसते हैं। जब वो ऐसे जगह पे बसते हैं वो जैसे मैं इनफॉर्मल इसीलिए बार बार इनफॉर्मल बोल रही हूँ क्योंकि उसकी जो लैंड सिक्योरिटी है वो उनके पास नहीं होते हैं, वो आके या तो रेंट पे रहते हैं या नहीं तो वो खुद वो जमीन थोड़ा साफ वाफ करके, या अगर वहां पर बस्ती पहले से ही बसी हुई है वही पर एक जमीन लेके लोग बसते हैं, तो बस जाते हैं और वहां से उनकी जो लाइवलीहुड है या वहां से ही उनकी जो स्ट्रगल डेली स्ट्रगल वो शुरू होती है। तो एक तो है उनकी लैंड सिक्योरिटी के बाद आता है, फिर बात आती है उनकी लाइवलीहुड की सिक्योरिटी पे। तो जब वो अनस्किल्ड एक लेबर आता है, माइग्रेट होता है और वो काम जब करना स्टार्ट करता है शहर में, वो ज्यादातर इनफॉर्मल काम ही स्टार्ट करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही वो काम करते हैं ज्यादातर। हम अगर पुरुष को देखें या जेंट्स को देखें, वो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्क में या नहीं तो स्ट्रीट वेंडिंग में वो अपना काम स्टार्ट करते हैं, और महिलाएं जितनी भी है वो डोमेस्टिक वर्क पे अपना काम स्टार्ट करती हैं। तो वो उसी में भी कंस्ट्रक्शन वर्क जब वो काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क डेली कंस्ट्रक्शन, जैसे ताहिर भी थोड़ा शेयर कर रहा था कि जो यहाँ पर हाजिरा बोलते हैं डेली जो वेज है वो बहुत ही कम है, अभी आके 2022 में वो 400 रुपए हुए हैं, 400 रुपीज हुए हैं, पहले से तो वो और भी कुछ 100-200 रुपए से स्टार्ट हुए थे मतलब उनका डेली वेज, तो उससे उनका गुजारा नहीं, एक परिवार नहीं चलता है, एक 4 जन या 5 जन की फैमिली 100 रुपए 200 रुपए या 400 रुपए में अभी के दिन में तो नहीं चलता है, वो एक उनकी इनसिक्योरिटी है। फिर मैं अगर एक थोड़ी एग्जांपल की तरह बात करूं तो मैं यहाँ पर बात करूंगी कि कैसे आइडेंटिटी क्वेश्चन जुड़ी हुए होते हैं ये हमारे श्रमिकों से, यानी तो हमारे जो इनफॉर्मल वर्कर्स है लोग हैं उनसे यहाँ पर आइडेंटिटी जो पॉलिटिक्स है या जो आइडेंटिटी का क्वेश्चन है कैसे जुड़ी हुई है वो मैं थोड़ी बात करूंगी। मैं एक फैमिली की बात करूंगी, वो एसएमएस हिंदू कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं, यहाँ पर उनके मैं नाम नहीं लूंगी सिर्फ टाइटल बोलूंगी, उनकी कलिता है एक फैमिली,
कलिता एसएमएस कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं, वो ऐसे ही फ्लैग डिस्प्लेस होने के कारण 20 साल पहले गुवाहाटी आते हैं, वो लोग आके यहाँ पर बसते हैं एक स्लम सेटलमेंट में, फिर उनके बच्चे होते हैं 3 बच्चे, जो पुरुष जो हस्बैंड होते हैं वो कंस्ट्रक्शन वर्क काम करना स्टार्ट करते हैं, और जो महिला है वो डोमेस्टिक वर्क काम करते हैं। फिर ऐसे ही जब वो गुजारा चलाती है तो 5 साल बाद उनकी जो हस्बैंड है वो उनकी डेथ हो जाती है। जब वो उसकी डेथ हो जाती है तो वो महिला अकेली पड़ जाती है, वो सिंगल मदर, अभी 3 बच्चों को उनको संभालना होता है, तो 3 बच्चे जब उनको संभालने होते, जो बड़ी बेटी है उसको ड्रॉप आउट करना पड़ा स्कूल वो जा रही थी, वो क्लास 6 में उसको ड्रॉप आउट करना पड़ा क्योंकि उनको माँ को काम पे जाना पड़ता था, और वो बच्चियों को अकेले जो छोटी बच्ची है वो घर पे अकेली उनको छोड़ के नहीं जा सकती थी, तो वो था। फिर उसकी जो स्ट्रगल, वो लेडी की जो स्ट्रगल है तभी से स्टार्ट हुई है, क्योंकि उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, डॉक्यूमेंट्स की जब अगर हमें बात करो या एंटाइटलमेंट्स की बात करो, जैसे वो डिस्प्लेस्ड होके आई है, फ्लड इरोडेड या फ्लड इरोशन एरिया से डिस्प्लेस होके आई है, तो उसकी गांव की कोई भी कागज नहीं है। जब वो आके गुवाहाटी में बसती है, हस्बैंड भी गुजर जाता है, तो उसकी आइडेंटिटी, अभी उसको जो वोटर आइडेंटिफिकेशन हो या वोटर कार्ड हो या पैन कार्ड हो आधार कार्ड हो, वो बनाने में कितनी स्ट्रगल उसको फेस करनी पड़ रही है, वो अगर बात करूं तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल है वो, क्योंकि वोटर में हमें हम जानते हैं, क्योंकि गार्जियन का नाम भी आपको देना पड़ता है, किसी ना किसी तरह वो वोट पे अपना नाम उठा लेती है, लेकिन अपनी बच्चियों की बर्थ सर्टिफिकेट वो नहीं बना पाती है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाने के कारण जो बच्ची जिसको मिडिल बच्ची को स्कूल में नाम लिखना होता है, उसको वो नाम लिखवाने नहीं लिखवा पाती है स्कूल में, वो एक बात है। फिर आती है कि 2015 में यहाँ पर एक बड़ा ही मुद्दा था, एनआरसी का मुद्दा है, अगेन वो आइडेंटिटी पे क्वेश्चन करती है, एक हम भारत के नागरिक है उस पर क्वेश्चन आते हैं, एनआरसी आता है असम में, गुवाहाटी में एनआरसी स्टार्ट होता है 2015 में। एनआरसी में अगेन उनका स्ट्रगल, क्योंकि उसको लीगेसी डाटा उनके प्रूफ करना होता है कि उनका लीगेसी है, वो अपने परिवार से, परिवार का या उनके फादर के परिवार को बिलोंग करती है, वो उनको प्रूफ करना पड़ता है। अगेन वो कहीं ना कहीं जाके गाँव जाके अपनी ऑब्जेक्शन फाइल करती है, कागज दिखाती है, कागज दिखा के किसी ना किसी तरह 2018 में एनआरसी में वो अपना नाम उठाती है। लेकिन अगेन हुआ कि एनआरसी के टाइम पे हुआ था कि फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे थे, तो वो फिंगरप्रिंट जब लिए जा रहे थे, वो लिए जा रहे थे आधार कार्ड के लिए कि आपका आधार भी बन के आएगा एक साथ, लेकिन एनआरसी में नाम आ गया लेकिन वो फिंगरप्रिंट्स आधार नहीं बना। हम सभी वाकिफ है इसी बात से कि हम कहीं भी अगर रजिस्ट्रेशन करना जाए या किसी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम हम अगर अप्लाई करना जाए तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए ही चाहिए। एक तो हमारी वोटर कार्ड हो, पैन कार्ड हो, हमारा एड्रेस प्रूफ हो, और आजकल आ रहा है आधार। तो जो वो लेडी आधार, वो अपना फिंगरप्रिंट एनआरसी के टाइम देने के कारण वो अपना अभी उसका आधार नहीं बन के आ रहा है, वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा निकल के आया है यहाँ पर कि एनआरसी के टाइम पे जिन ही लोगों के मतलब फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे उन लोगों का आधार नहीं बन के आ रहा है। वो अभी अगेन सुप्रीम कोर्ट पे कुछ केस चल रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट वो ओपन करेगा तभी लोगों के आधार बन के आएंगे। तो वो आधार नहीं होने के कारण अभी वो जो लॉकडाउन के टाइम क्या हुआ था कि हम उनके पास राशन कार्ड नहीं था, तो राशन कार्ड वो अभी अप्लाई अगर करना चाहती है तो आधार चाहिए उसको, तो वो राशन कार्ड नहीं अप्लाई कर पाती है। तो ये सब जो मतलब एक सर्कुलर की तरह ये मतलब कैसे हमारे एक मतलब एक तो उनके काम की एक है ही, उनकी स्ट्रगल है एक काम की, और उसको अपनी आइडेंटिटी का भी प्रूफ कैसे उसको स्ट्रगल करके एक माइग्रेंट वर्कर को रहना पड़ता है एक शहर में, वही थोड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। और एक ऐसी ही
महिला है जो यहाँ पर काम कर रही थी, इनफॉर्मल डोमेस्टिक वर्कर पे ही काम कर रही थी, लेकिन उसका घर गुजारा नहीं चल रहा था डोमेस्टिक वर्क करने से, तो वो किसी ना किसी तरह गोवा चली गई। गोवा में हम जानते हैं कि बहुत ही एक टूरिज्म इंडस्ट्री गोवा में एस्टैब्लिश है, और बहुत सारे लोग आसाम से गोवा भी जाते हैं माइग्रेट होके, तो वो गोवा चली गई। जब गोवा चली गई, गोवा में वो एक होटल या रेस्टोरेंट पे ऐसे वो काम करना स्टार्ट की, उन्होंने वहां पर काम करना स्टार्ट की। किसी ना तरह उसका एक लड़के के साथ वहां पर ही थोड़ा ये होके उनका भी वहां पर मैरिज हो गए, लेकिन अभी उनको लेकिन वो जब चली गई थी तब उसका 18 या 19 इयर्स की थी वो, लेकिन अभी उनको वोटर कार्ड बनानी है। तो बात ऐसी है कि वो जब यहाँ पर वोटिंग का वोटर्स का पोर्टल खुलता है, आजकल हमें मालूम है कि वोटर्स कार्ड का है कि ऑनलाइन प्रोसेस है, जब यहाँ पर वोटर्स कार्ड का ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट होता है वो तब यहाँ पर नहीं आ पाती है, क्योंकि वहां पर उनको छुट्टी नहीं मिली जाती है, छुट्टी नहीं दिया जाता है उनको, छुट्टी नहीं दिया जाता है। फिर उसको वोटर कार्ड नहीं होने के कारण वो अपना दूसरा डॉक्यूमेंट्स भी वहां पर नहीं बना पा रही है, दूसरा डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाने के कारण उसको बहुत ही सारी मतलब वो जो सोशल सिक्योरिटी है वो सोशल सिक्योरिटी उसको नहीं मिली जा रही है वहां पर, तो और यहाँ पर भी वो नहीं आ पा रही है उसी टाइम पे कि वो अपना वोटर कार्ड बनाए या अपना जो सोशल सिक्योरिटी का कार्ड है वो बना पाए। तो वैसे ऐसे ही कुछ मतलब हम जब डे टू डे जाते हैं या स्लम्स पे विजिट करते हैं तो ऐसी हमारे पास ऐसी झलके हमें मिलती है माइग्रेंट वर्कर्स की, जो बहुत ही आइडेंटिटी क्वेश्चन के ऊपर मतलब उनका क्वेश्चन होता है। और अभी सरकार जो लॉकडाउन पे हम जानते ही है लॉकडाउन में कितने स्ट्रैंडेड वर्कर्स का और कितने माइग्रेंट वर्कर्स को लॉकडाउन में कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी, और जब वो डाटा मांगी जा रही थी या उनकी सोशल सिक्योरिटी की बात होनी जा रही थी तब किसी के पास गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं था, और उसी के कारण जो ई श्रम अभी निकला है, एक ई श्रम पोर्टल से जो एक रजिस्ट्री हो रही है कि जितने भी वर्कर्स है सब अपनी ई श्रम में पोर्टल में अपनी नाम दाखिल करो, ई श्रम पे तो वो दाखिल कर रहे हैं अपना नाम, लेकिन ई श्रम से क्या उनकी सोशल सिक्योरिटी का मतलब कोई भी मतलब सवाल ही कोई मतलब वर्कर्स सवाल उठा रहे हैं या वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन सवाल उठा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी कुछ भी ऐसी स्कीम्स नहीं आ रही है, सोशल सिक्योरिटी का स्कीम नहीं आ रहा है कि उनकी जो जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हो या जितने भी मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हो उनके लिए कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो या सोशल सिक्योरिटी एक्ट हो जो उनको थोड़ी ही जैसे मेडिकल की हो, ईएसआई हो या पेंशन की हो या प्रोविडेंट फंड की उनकी सिक्योरिटी मिले, अगर ऐसी लॉकडाउन की परिस्थिति अगर कभी भी फ्यूचर में और आए, ऐसे लॉकडाउन हो या 2-3 साल लोगों को बैठना पड़ा, जॉब सिक्योरिटी ना हो, तब उसको अगर सोशल सिक्योरिटी भी मिले तो भी एक बात होती है। लेकिन अभी हमें रिसेंटली जो बजट भी निकला है वो बजट भी अगर हम देखें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए कोई भी बजट में आंकड़ा ही नहीं है, कुछ भी पैसा ही बजट में पकड़ा नहीं है। तो वही हमें थोड़ी एज ए कैंपेन या हम अगर हम ऐसे लोग जुड़े हैं मतलब ऐसे थ्रू एस कैंपेन हो या थ्रू जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हो, अगर हम एक साथ जुड़ के ये वर्कर्स के लिए अगर हम एक कैंपेन चलाए कि उनके सोशल सिक्योरिटी के बात भी थोड़ा वो करे, सिर्फ आंकड़ा लेके या सिर्फ डाटा लेके कुछ काम नहीं होगा, उनकी सिक्योरिटी का भी हमें सवाल या सिक्योरिटी का भी हमें बात उठानी पड़ती है। यही था अनिंदिता, और अगर आप कुछ नहीं, थैंक यू मेजबीन। एक आखिरी सवाल एंड देन आई विल जस्ट ट्रांसलेट वेरी क्विकली कि आपके अपने काम में, युवा के काम में युवा श्रमिकों को संगठित करने के की ओर कुछ प्रयास रहे हैं, युवा के खुद के या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस कैंपेन्स, उस पर अगर आप
हम ये कर रहे हैं कि जैसे मैंने बोला कि ज्यादातर महिलाएं हमारी डोमेस्टिक वर्कर्स है, तो डोमेस्टिक वर्कर्स वो भी माइग्रेंट ही है, अभी वो कुछ सीजनल माइग्रेंट्स भी है और कुछ परमानेंटली अभी यहाँ पर ही बसे हुए हैं इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में। तो वो डोमेस्टिक वर्कर्स की हम मतलब बात जब कर रहे थे या डोमेस्टिक वर्कर्स की जब हम उनको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो हमने उनका एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया है, उसका नाम है गैस, गृहकर्मी अधिकार सुरक्षा समिति। तो गैस का मतलब हमने एक कलेक्टिव के तरह ही स्टार्ट किया है अभी अक्रॉस गुवाहाटी, ये थोड़ा हमारा संगठन बढ़ रहा है, 2017 में हमने इनको फॉर्म किया था। तो गैस क्या गैस का यही एक ऑब्जेक्टिव है क्या, या जो सोशल सिक्योरिटी है डोमेस्टिक वर्कर्स का, तो वो सोशल सिक्योरिटी के मुद्दे को इसके जो हमारी महिलाएं हैं वो उठाती है, वो उनकी पेंशन की डिमांड है, उनकी बच्चों की स्कॉलरशिप की डिमांड है, उनकी फूड सिक्योरिटी के डिमांड है, उनके हाउसिंग राइट्स की डिमांड है, वो अपनी हमारी महिलाएं गैस की तरफ से उठाती है। फिर लॉकडाउन में भी उन लोगों ने एक डिमांड उठाया था कि लॉकडाउन में एक्चुअली बात हुई थी कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कैश ट्रांसफर होंगी, तो हमारी महिलाओं ने कुछ 8,000 रुपए का कैश ट्रांसफर उन लोगों ने मांगा था। और उन लोगों का एक सबसे बड़ा डिमांड है गैस की तरफ से हमारी महिलाओं की कि उनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट होनी चाहिए, जो एक लीगल एक्ट की तरफ वो एक लीगल प्रोटेक्शन एक्ट वो लोग मांग कर रही है। कि जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए हम जानते हैं कि एक एक्ट है BOCW एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, और वो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट के तहत बहुत सारे स्कीम्स ऐसे हैं कि अगर एक वर्कर रजिस्टर करती है अपने वो एक्ट के अंदर, वो उसके बोर्ड वेलफेयर बोर्ड के अंदर, तो उनको सिक्योरिटी स्कीम्स मिली, मतलब वो लाभ उठा सकती है वो। लेकिन डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए ऐसे कुछ भी नहीं है, तो हमारी गैस की महिलाएं वो गैस के तरफ से वो एक मुद्दा रेज कर रही है। फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बारे में भी मैं बात करूंगी। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का भी हमने एक निर्माण श्रमिक आसाम करके एक हमने एक ऑर्गेनाइज की है लोग मतलब श्रमिकों को। ये एक तो है कि मैंने बात की कि BOCW एक्ट है, उन लोगों के पास एक्ट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक्ट है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का सेस भी है, मतलब जो गवर्नमेंट वो उसको मतलब जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है गवर्नमेंट वो दे भी सकती है, क्योंकि जो उनकी बिल्डिंग का सेस है वो सब कुछ उनके वेलफेयर बोर्ड्स में जमा होती है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के, तो इसी कारण वो सोशल सिक्योरिटी अभी दे पा रही है। लेकिन क्या हुआ है कि आसाम में अभी तक मतलब हम अगर आंकड़ा देखें तो इतने सारे लाखों में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, जो जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं शहर में या किसी शहर में भी काम करने जाते हैं या गांव में भी, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, माइग्रेंट वर्कर्स कंस्ट्रक्शन का ही काम करते हैं, लेकिन वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। क्योंकि एक तो है कि वो अवेयरनेस जो है जो पहुंचना चाहिए वर्कर्स के बीच में वो उनका नहीं पहुंचा है, वो एक तो अवेयरनेस नहीं पहुंचा है, और एक जो है रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ही इतना मतलब डिफिकल्ट है कि इतने कागज उनको दिखाने पड़ते हैं। कि एक तो है कि 90 दिन का उनको सर्टिफिकेट देना पड़ता है, वो सब भी एक इशू है या चैलेंज है जो एक अपनी कंस्ट्रक्शन वर्कर इमीडिएटली मतलब वो रजिस्टर नहीं कर पाता है वहां पर। ओके थैंक यू मेहरबीन। एक्चुअली थोड़ा वील रैप अप यहाँ पे एंड वील कम बैक, दो और स्पीकर्स हैं, तो वेरी क्विकली टू जस्ट ट्रांसलेट, आई मीन आई वोंट ट्रांसलेट, जस्ट टू गिव अ क्विक ब्रीफ समरी बेसिकली। दीदी मेरा एक बार सवाल है। हाँ जी मैम, एक मिनट जस्ट। हमारा दीदी यहाँ पे अभी एक बात बोला है ना निर्माण श्रमिक का एक स्कीम के बारे में। हाँ हाँ ताहिर यस। मतलब मेरा पिताजी का एक निर्माण श्रमिक रजिस्ट्रेशन किया था। हाँ अभी हमारा पिताजी का डेड होने का 3 साल हो गया। और उसमें से कितना जो एजेंट था जो भी रजिस्ट्रेशन कराया था वो भी मेरे को बोला है उसका कितना 57,000 पैसा है। हाँ। जमा है वो मतलब। हाँ। अभी 3 साल हो गया हमारा पिताजी का डेड होने का, अभी तक नहीं मिला।
उसमें से हाँ। मैं सुनिए ना मेरा दीदी, मेरा अभी खर्चा हुआ उसमें से 4,000 खर्चा हो गया ऑलरेडी। पहले बोला है तुम एक लीगल हेयर सर्टिफिकेट चाहिए तुम्हारा, मतलब हमारा ग्राम का है, मैं वो भी बनाया। बाद में बोला वीडियो का साइन लेना है, मैं उसको 1,000 रुपया देख के उसका भी साइन कराया। अभी उसका एजेंट का पास दिया था वो, अभी आज 3 साल हो गया अभी तक नहीं मिला। और लीगल हेयर सर्टिफिकेट मेरा पास है अभी तक, एक भी एक को भी मैं रखा है, एक को भी उसको जेरेक्स करके दिया था। वो भी कैसा मिलना है उसका, आपका पास कुछ जानकारी है तो मेरे को थोड़ा दीजिए, मैं देखता हूँ उसको क्या करना है। तो मैं मतलब एक एक स्पेसिफिक इशू है टायर का जो डेफिनेटली यू कैन हेल्प, और दूसरा है कि दोनों जो मेजबी ने भी जो बात उठाई और जो ताहिर भी बात उठा रहे हैं, दिस वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ समराइजिंग व्हाट मेजबी सेड, व्हिच इज दैट इन एडिशन टू द चैलेंजेस दैट माइग्रेंट वर्कर्स फेस हु मूव टू गुवाहाटी, देयर टू काइंड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हु मूव देयर, सम हु कम फॉर वर्क एंड सम हु आर डिस्प्लेस्ड। सो द इनफॉर्मल सेटलमेंट्स और बस्तीज इन द सिटी इटसेल्फ हैव these two kinds of workers living there, and the work includes street vending, domestic work, construction work, and so on. But the important point that Mezabeen's intervention focused on was that in addition to the challenges of informal work are the challenges of proving one's identity, so access to identity documents, and then the NRC initiative, which has made it extremely challenging for proving citizenship. So she talked about two cases of women workers in particular, and the challenges that they faced in accessing these identity documents, and then the impacts that had on their children's access to education, for instance, and accessing other benefits. So that's another angle that Mezabeen brought in. She also talked about some efforts towards unionizing construction workers and domestic workers, and how there are some provisions within the law for security for domestic for construction workers to some extent, but no such legal provisions for domestic workers, which is why that is the one of the areas that Yuva and her work has been focusing on. So hopefully that represented what you said, but we will come back. And I think Tahir's intervention actually, Tahir ne jo kaha, wo bilkul jo Mezabeen ne kaha, it actually proves exactly what she was saying, which is that the absence of these identity documents makes it that much more challenging to even mobilize or access the laws that or the policies that have the schemes that have been announced by the state government. So with that, let's move on to our next speaker, who is Praveen. Praveen ek researcher hai, itihas par research karte hain, apna PhD kar rahe hain, khas karke kanoon, zameen aur jati ke sawalon par wo apna research kar rahe hain, aur Haryana aur Punjab mein unka focus raha hai. Iske alawa Praveen kafi saalon se अलग अलग जन आंदोलनों से भी जुड़े हैं, खाद्य सुरक्षा, राइट टू फूड, राइट टू वर्क कैंपेन्स के साथ भी जुड़े हैं, और इस पे भी वो अपनी बात रख पाएंगे कि जो रोजगार गारंटी कानून का जो आंदोलन चला और अब एक तरीके से शहरी रोजगार गारंटी की बात हो रही है, उसमें क्या अंतर है, शायद प्रवीण इस पर बात भी रखना चाहेंगे. इसके अलावा प्रवीण ने लॉकडाउन के वक्त खास करके एक मजदूर पहल, एक वर्कर्स इनिशिएटिव शुरू किया, जहां पे उस वक्त आई थिंक कुक्ड मील्स और कम्युनिटी किचन चलाने से ये बात शुरू हुई, बट अब मजदूर पहल का फोकस बड़े मुद्दों पर है, जैसे कि रोजगार, पलायन और शहरी क्षेत्रों में युवा श्रमिकों के जो समस्याएं हैं और उनके जो इश्यूज हैं. तो प्रवीण, ओवर टू यू. थैंक यू आनंदिता, थैंक यू सभी साथियों को, जय भीम और जिंदाबाद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर. ज्यादा लंबी बात नहीं, क्योंकि बहुत सारी बात है इस पे कहने के लिए. आई थिंक वो चर्चा की बातें ज्यादा हैं, कुछ मेरे पास अपनी तरफ से कहने का कम है. उसमें से कुछ बातें मैं यहाँ पे रखूंगा. जैसे कि जब ये बात हो रही थी कल शाम से ही कि प्रवासी मजदूरों और उनकी लाइवलीहुड और डिग्निटी की खोज में किस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं आजकल, उसमें मेरे दिमाग में एक बात चलकर आई कि भाई प्रवासी मजदूरों का संदर्भ किस
पॉपुलर इमेजिनेशन में या भारतीय जनमानस में जब प्रवासी मजदूरों की बात होती है तो उसमें किन संदर्भों के अंदर बात होती है, और जो संदर्भ मेरे दिमाग में आ सकते थे, द पॉपुलर इमेजिनेशन, वट एवर कुड कम टू माई माइंड ड्यू टू पॉपुलर इमेजिनेशन, इट वॉज एवरीथिंग वॉज नेगेटिव. वो सभी बड़ी नकारात्मक तरीके से जिस तरीके की बातें राज्य व्यवस्था या हमारा पॉपुलर समाज है या जनमानस फैलाता है, जैसे कि हड़ताल, हादसा, हिंसा, पलायन, इस तरीके की ही बातें थी जिसके दौरान हमारे जनमानस में एक प्रवासी मजदूर या माइग्रेंट लेबर की बातें आती है. अब यही सारी बातें हुआ ये कि जब ये COVID-19 का पैंडेमिक आया, वो COVID-19 का पैंडेमिक से ज्यादा जब लॉकडाउन लगाया गया, अब उस लॉकडाउन में ये सारी चीजें रीसरफेस होकर आने लगी. अब वो रीसरफेस इस तरीके से होने लगी कि जो पुरानी एंजाइटी थी माइग्रेंट लेबर्स को लेकर, या पुरानी इनसिक्योरिटीज थी, और या पुरानी एक जो राजनीति जिसमें हमेशा माइग्रेंट लेबर के सवाल को इनविजिबलाइज कर दिया गया है, बट सारी की सारी बातें इस पेंडेमिक ने खासकर और उससे ज्यादा इस लॉकडाउन ने उसको रिसरफेस कर दिया. कई सारी बातों के का एक निचोड़ ये निकला कि जब पेंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से जब जो राज्य व्यवस्थाएं जो है, स्टेट जो सिस्टम है, जब वो चरमरा जाता है, या उसको ये कहिए कि जो स्टेट ऑफ एक्सेप्शन जब क्रिएट कर दिया जाता है, तो उससे उसकी जो सबसे बड़ी जो मार पड़ती है वो हाशिए पर पड़े लोगों पर पड़ती है. और हाशिए पर पड़े लोग शहरों के संदर्भ में भी और या गांवों के संदर्भ में भी, हम लोग रोजगार गारंटी कानून के बारे में हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बात कर रहे थे उस समय भी, और अब जब हम शहरी क्षेत्रों में गारंटी कानून या रोजगार के अधिकार और माइग्रेंट लेबर के अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो ये जो उसकी जो मार पड़ी वो सबसे ज्यादा हाशिए पर पड़े इन लोगों पर पड़ी. अब इस मार से क्या हुआ, इस मार से दो तीन चीजें हुई जिससे मजदूर पहल जैसे इनिशिएटिव या स्वान जैसे इनिशिएटिव पैदा हुए या आए उससे निकलकर, उन्हीं डिस्कशंस और उन्हीं एक्टिविज्म के थ्रू ही. अब उससे जब ये मार जब पड़ी तो कुछ ऐसी चीजें और व्यवस्थाएं जो हैं जो खास तौर से मजदूरों के लिए या हाशिए पर पड़े लोगों के लिए, उसमें आप गरीब कह सकते हैं, आप दलित कह सकते हैं, आप महिलाएं कह सकते हैं, जो व्यवस्थाएं राज्य जिनको क्लेम करता है कि कुछ व्यवस्थाएं इन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है, इस पेंडेमिक और या लॉकडाउन की स्थिति में या स्टेट ऑफ एक्सेप्शन के समय में, उस पर भी उच्च वर्ग और ये जो 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 डोमिनेंट जो प्रभावी समूह है या प्रभावी जातियां हैं, किसी तरीके के भी प्रभावशाली दबंग उसका एक कब्जा हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल की एक बड़ा एग्जाम्पल जो दूसरे लॉकडाउन से हम लोगों के जो कार्य जब हम कर रहे थे उससे निकल कर आया कि सरकारी अस्पताल. अब सरकारी अस्पताल हाशिए पर पड़े रहने वाले लोगों के अलावा दिल्ली जैसे शहर में ज्यादा लोग एक्सेस नहीं करते हैं, क्योंकि सब अपने मतलब जो भी मध्यम वर्ग है, उच्च वर्ग है, वो प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज को अवेल करता है. अब हुआ क्या कि इस लॉकडाउन की वजह से सडनली बिकेम आउट ऑफ रीच फॉर द माइग्रेंट लेबर. एंड I mean, the hospital is just an example, which was a striking example. Like suddenly, those things which were, categorically meant for, or state was announcing at a time that okay, these are the situation, these are the schemes are for the migrant labor or the working class. Suddenly, it became out of reach from them. So. ये सारी चीजें थी जिसके तहत हम लोग जब what happened is when the lockdown happened. तो हमारे जैसे लोग जो शहरों में रहते हैं, शहरों में पढ़ाई करते हैं और कुछ एक बैकग्राउंड रहा है एक्टिविज्म का, तो उन लोगों ने सोचा कि फौरी तौर पर क्या मदद की जा सकती है, क्योंकि जब जब मजदूर वर्ग के ऊपर खास करके जब मार पड़ती है तो एकदम सबसे पहले जो सवाल आता है वो सवाल आता है लाइवलीहुड का. उस लाइवलीहुड के सवाल को एड्रेस करने के लिए मजदूर पहल की शुरुआत हुई शहर में कि हम लोग फौरी तौर पर मजदूर वर्ग, माइग्रेंट लेबर खासकर, उनको क्या मदद पहुंचाई जा सकती है. अब उसमें से ये हुआ कि हम लोगों ने खाना, दो टाइम का खाना जो है वो सबसे बड़ी एक जरूरत निकल कर आई. अब
दो तीन दिन चर्चा, क्योंकि समय भी कम था हम लोगों के पास। हम लोगों ने सोचा कि चलिए हम लोग एक किचन स्थापित करते हैं, बनाते हैं, उसके द्वारा हम जो भी लोग, इतने लोग पलायन कर रहे थे, इतने लोग रेलवे ट्रैक्स के थ्रू, हमारी कम्युनिटी किचन वाज एडजेसेंट टू द रेलवे ट्रैक वेयर दीज सम ऑफ द वर्कर्स डाइड, दे लॉस्ट देयर लाइफ। इतने लोग वॉक कर रहे थे सड़क पे, पंजाब से लेकर अपने बिहार और यूपी के गाँव की तरफ चल रहे थे। तो वी वर द वन, वी स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग कुक फूड विद देम। सो जहां जहां पर भी हम लोग उन लोगों को ये खाना मुहैया करा रहे थे, उनमें से दो तीन बस्तियों में जैसे उनसे चर्चा होने लगी, तो वहां से एक आइडिया आया कि भैया व्हाई कांट वी स्टार्ट कम्युनिटी किचन हियर। सो दिस पर्टिकुलर बस्तीज और द सेटलमेंट हैपन टू बी वेयर लॉट ऑफ दीज कुक्स लिव, पीपल हु आर इन हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, जो लोग खाना बनाने का खान सामा है, खाना बनाने का काम करते हैं बैंक्वेट हॉल में, बारात में, शादी ब्याहों में। तो सडनली उनका काम खत्म हो गया, तब उन लोगों ने की तरफ से आइडिया है कि चलिए हम, आप हमारे लिए खाना ला रहे हैं, व्हाई डोंट वी आल्सो वर्क टुगेदर। सो द आइडिया ऑफ कम्युनिटी किचन इमर्ज फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी। तो हम लोगों ने बात करना शुरू किया कि ऐसा क्या किया जाए, कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, काफी चर्चा चली लोगों के साथ, तीन चार बस्तियों के लोगों के साथ लगातार चर्चा चली। सो आई एम, यू नो, I'm trying to give another aspect of lockdown. I mean, of course, हमने सुना है कि काफी सारी दिक्कतें रही और ये भी रही, but the sense of solidarity, which came with it from the lockdown among the working class, I think it was also it was also phenomenal in a way. तो अब उसमें एक बस एक ये चीज थी कि रेलवे ट्रैक है, आई एम जस्ट गिविंग यू दिस, मैं इसको नरेट इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि जो पिक्चर है वो बड़ी पिक्चर साफ होगी इस बात से। एक रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के इधर एक पक्की सेटलमेंट है झुग्गी, रेलवे ट्रैक के इधर वेस्ट वर्कर्स रहते हैं वो बिल्कुल कच्ची टार्पोलिन शीट वाले। तो एंड वी वर द वन, वी वर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड अमंग बोथ द बस्ती। तो आइडिया ये आता है कि चलिए हम कम्युनिटी किचन बनाते हैं और एक दोनों बस्तियों के लिए हम एक ही बना सकते हैं। अब उसमें ये हुआ कि जो वेस्ट वर्कर्स की जो बस्ती है, द प्रीडोमिनेंटली द मुस्लिम, एंड यू नो एंटाइटलमेंट, शहर का एंटाइटलमेंट नहीं है लोगों के पास, कागजात नहीं है। महजुद्दीन वॉज टॉकिंग अबाउट ऑल्सो यू नो कि कागजात कितने महत्वपूर्ण बन जाते हैं, खासकर प्लीज स्टेट ऑफ एक्सेप्शन के समय में, कि आप राइट्स को क्लेम कैसे कर सकते कर पाएंगे अगर आपके पास कोई एंटाइटलमेंट नहीं है शहर में रहने का। अब उसमें चर्चा ये हुई कि भाई हम चाहते हैं कि दोनों बस्तियों के लिए एक ही जगह खाना बने। सो it was in our mind, people who were active, you know, they knew, they understand the nuance of caste, class, gender, politics and minorities issue and all that jazz, but we didn't know ki ye sare sawal, is sawalon se ye jo log jahan reh rahe hain, who are sick of everything, wo usko kaise samjhenge। ab ye baat humne kaha ki theek hai ji, meeting bula lijiye, aap ek meeting bula lete hain, hum chahte hain ki ye dono bastiyan khud aur ye dono bastiyon ka kul mila ke ye kuch 350-400 log ke liye khana banega, usme 400-500 logon ke liye। to bulai gayi meeting, and you know the sense of solidarity, how it works, precarity gives that, became the base of that, which gives the, you know, sense of solidarity ki bhai खाने की जरूरत हमें भी है, खाने की जरूरत यहाँ भी है, तो हम लोग साथ बनाएंगे। और वॉलंटियर निर्धारित किए गए कि किस बस्ती से किस समय पे कौन लोग आएगा, कौन लोग राशन लाएगा, कौन लोग सब्जी का सामान लाएगा। आई मीन यू नो इट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर समबडी लाइक मी एंड समबडी लाइक अदर्स टू अंडरस्टैंड दैट यू नो कि जो प्रोसेसेस जो हैं, उन प्रोसेसेस से ही बदलाव की राजनीति उभर कर आती है, आई मीन वो निकल कर आई। सो दीज टू थिंग्स वर नॉट सो डिफरेंट, सोशल एंड पॉलिटिकल वर नॉट सो डिफरेंट, कि उन लोगों वो दोनों अलग अलग डोमेन में कुछ चीजें हो रही हैं, राजनीति अलग हो रही है, लोगों का जीवन अलग उसमें चल रहा है, और वो दे केम टुगेदर, जिसके बाद फिर कुछ ना कुछ कुछ निकल कर आएगा। यहाँ पे वो इतनी गुथी हुई थी दोनों चीजें कि जो प्रोसेसेस थे उसी से ही वो राजनीति उभर कर आई, और उसी राजनीति से हमारे जो लॉन्ग टर्म जो एंगेजमेंट है वो उससे निकल कर आया। खाना बनाना शुरू किया, अब वहां पे चर्चा हो रही है, हम लोग चंदा इकट्ठा कर रहे थे, हमारे पास कोई अपना पैसा फंड नहीं था। आई मीन अनिंदिता को भी मालूम है और बाकी जो साथी दिल्ली और दिल्ली से दूर देश विदेश में साथी थे, उन सबको मालूम है कि हम लोग चंदा इकट्ठा कर रहे थे और कीपर कर रहे थे। अब उसमें से ये इंटरेस्टिंग आया कि हमने सोचा कि क्योंकि पेंडेमिक जो था वो इतना वो था, और गाइडलाइंस भी थी, सरकारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं,
अब आजकल की स्पेशली इन दिस मोमेंट एंड इन दिस टाइम यू नेवर नो कि जो एक्टिव लोग जो काम कर रहे हैं एक्टिविस्ट लोग कब कहां किस पर राज्य की गाज गिर जाएगी, तो यू नेवर नो. तब हमने ये डिसाइड किया था सेंट्रली कि हम ये करेंगे कि कम्युनिटी किचन को हम लोग डिसेंट्रलाइज कर देते हैं भाई, कि कम कम लोगों के लिए एक 6-7 बस्तियों के लिए, 6-7 सेटलमेंट के लिए एक किचन, 6-7 सेटलमेंट के लिए दूसरा किचन. तो हमने उसको डिसेंट्रलाइज किया. अब जब हमने डिसेंट्रलाइज किया तो अब उसमें क्या हुआ, खाने की जब डिमांड बढ़ने लगी तो एक आइडिया लोगों के बस्ती के खुद के लोगों से आया कि भैया एक आइडिया है. कुछ कुछ जो हमारे साथी थे वहां पे प्रवासी मजदूर भी हैं, वो अपना काम उनका काम छूट गया था, हमारे साथ वो वॉलेंटियर कर रहे थे और वो उनमें से कुछ हमारे लाइफ लॉन्ग वॉलेंटियर बने हुए हैं अभी. सॉरी, हाँ अनिल, मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि लॉकडाउन से हम लोग थोड़ा अगर वर्तमान में आए तो अभी आज हाल में मजदूर पहल के क्या इनिशिएटिव्स हैं और खास करके युवाओं के साथ आपका मेन जो मेंबरशिप है तरीके से युवा ही युवा श्रमिक हैं, तो अभी वर्तमान में क्या काम हो रहा है? हाँ, मैं उसी पे आ रहा था, थोड़ा सा लंबा चलता लेकिन मैं इस पे इसी पे बात रख देता हूँ कि हम लोग अभी वर्तमान में क्या सोच रहे हैं. तो हमारे साथ जो लोग ये मजदूर साथी जुड़े उसमें से 3 या 4 तरीके के मजदूर साथी हैं जिनके साथ हमने सोचा कि एक लंबे समय तक एक काम किया जा सकता है. जैसे सबसे पहला जो समुदाय आया, सबसे ज्यादा जो वर्ग आया मजदूरों का, वो वर्ग आया ये जो खाना बनाने खान सामान जो है, जो किचन में या हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में काम करते हैं. तो हमारा एक आइडिया निकल कर आया कि हम एक लंबे समय तक क्या दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरियाज में कम्युनिटी किचन बना सकते हैं, जिसमें अगर मुफ्त नहीं तो एक कम दर पर अच्छा सामान्य खाना मजदूर वर्गों को प्रोवाइड किया जाए, मजदूर वर्ग को प्रोवाइड किया जा सकता है या नहीं. तो वो एक आइडिया, बड़ा आइडिया निकल कर आया जिसपे हम लोग अभी काम कर रहे हैं. कुछ हमने एक कम्युनिटी किचन चल रहा है अभी भी लॉरेंस रोड इधर दिल्ली के एक इंडस्ट्रियल एरिया में, जिसको मजदूर पहल सपोर्ट कर रहा है, अभी बाहर से सपोर्ट कर रहा है कुछ लोगों को वहां पे जो काम छूट गया था वो वहां पे काम कर रहे हैं अभी. अभी हमारा ये मानना है कि इसको थोड़ा विस्तार किया जाएगा. हमने अभी निर्धारित 2 इंडस्ट्रियल लोकेट किया है, 2 इंडस्ट्रियल एरियाज में जहां पे इस तरीके की कम्युनिटी किचन को स्टार्ट किया जा सकता है. दूसरा जो आया जिसके ऊपर भी हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं साथियों के साथ और उनके साथ एक पायलट प्रोजेक्ट भी किया हम लोगों ने, वो था कि जो दर्जी समुदाय है, अब दर्जी जो लोग हैं इन कुछ बस्तियों में रहते हैं और इनमें से कुछ दर्जी ऐसे हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे के कारण जिनकी नौकरियां छूट गई, अब वो यहाँ से अप डाउन कर रहे थे जिन बस्तियों में, दे हैपन टू बी हियर, इट्स नॉट दैट वी वेंट समवेयर एंड वी फाउंड देम, सो दे हैपन टू बी हियर एंड देन वी स्टार्टेड डायलॉग विद देम कि किस तरीके की चीजें की जा सकती हैं ये और किस तरीके का काम अब किया जा सकता है पोस्ट पैंडेमिक, पोस्ट लॉकडाउन. तो हमने लॉकडाउन के दौरान हमने क्या किया था कि मजदूर पहल की तरफ से हमने उनसे 2 चीजों की सिलाई करवाई थी. उसमें कोई बिचौलिया नहीं रखा था हमने, उसमें जितना हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इट वाज एवरीथिंग वाज गोइंग टू द वर्कर्स फ्रॉम वट एवर द प्रॉफिट मार्जिन वाज. तो एक हमने उनसे वो जो कॉटन के मास्क बनवाए थे और दूसरा हमने उनके साथ टोटे बैग का काम किया था. तो ये दूसरी चीज जो हमने अब हम उसको एक लंबे समय तक सोच रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग काफी कम हैं यहाँ पे दिल्ली में भी और काफी लोग हम जैसे जो लोग साथ काम करते हैं मजदूर पहल में ज्यादातर अपने PhD के लास्ट मोमेंट पे मतलब राइटिंग फेज में है तो वो खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं. तो ये 2 चीजों के साथ हम लोगों ने सोचा कि इन 2 चीजों के साथ हम काम किया जा सकता है. तीसरी चीज जो अभी हमने सोची है उनके साथ कि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ इन जिन लोगों के साथ हम लोग काम कर रहे थे उनमें क्या किया जा सकता है. तो हालांकि उस समय हमने कैंप भी लगवाए, उसमें 2-3 तरह की चीजें करवाई उसी उन्हीं सेटलमेंट के अंदर, बट अभी ये चर्चा का मेन विषय है कि पोस्ट पैंडेमिक टाइम में, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो व्यवस्थाएं सरकार बनाती है हॉस्पिटल्स वो सडनली बिकेम आउट ऑफ रीच फॉर द वर्कर्स. तो ऐसे टाइम में क्या हम क्या कर सकते हैं कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य के ऊपर लोग साथी हमारे काम करते हैं, पब्लिक हेल्थ के ऊपर जो लोग काम करते हैं, क्या इस तरीके की कुछ ट्रेनिंग एक लंबे टर्म तक दी जा सकती है इन सेटलमेंट्स के, नहीं कि छोटी छोटी चीजों के लिए लगातार भागना ना पड़े, कि पैनिक्स ना हो, एंजाइटी मतलब यू नो कि छोटी छोटी अगर कुछ बीमारी होती है, जब पैंडेमिक के टाइम भी ऑक्सीजन की कमी पड़ गई या सडनली लोगों को ये दिखने लगा कि बीमार होने का मतलब है हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है,
तो इन सवालों से कैसे जूझा जा सकता है, तो वो पब्लिक हेल्थ के संदर्भ में किस तरीके से काम किया जा सकता है, तो ये सारी चीजें अभी हम मजदूर पहल के तहत सोच रहे हैं उसके ऊपर। बाकी हमने सोचा तो और भी है कि उनके लिए एक किटी बनाई जाए, किटी का मतलब ये है कि एक सामूहिक बैंक कुछ इस तरीके से, जहाँ पे लोग अपना छोटी छोटी पूंजी को जमा कर सके और उसके साथ वो सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप का। लेकिन वो मामला अभी हमने ज्यादा उसको एक्सप्लोर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग उतना उस क्षेत्र में एक्टिव नहीं है, जो लोगों की एक्सपर्टीज है इन लोगों की, हम लोगों की, तो वो हमने सोचा है कि लिमिटेड लेवल पर ही इन दो चीजों को हम लोग एक्सेस करेंगे कि एक तो जो किचन का सवाल है और दूसरा जो टेलर्स के साथ जो हम काम कर रहे हैं। आई थिंक इट्स ऑल्सो गिव्स अस यू नो, मतलब कहने का पूरा तात्पर्य ये है कि जो ये सारी चीजें जो सेंस ऑफ सॉलिडारिटी है, इट वॉज ऑल्सो इट अमेजेस अस एज वेल कि लॉकडाउन के प्रभाव हैं, ऑफ कोर्स सारी चीजें हैं, दिक्कतें हैं, एंटाइटलमेंट का सवाल है, तो इन चीजों से कि सॉलिडारिटी किस लेवल पे बिल्ड की जा सकती है, तो ये है। बाकी मैं डिस्कशन में कुछ आएगा तो आई विल टॉक अबाउट दैट मोर, सो दैट्स फ्रॉम माय साइड। थैंक्स, थैंक यू प्रवीण, शुक्रिया। वापस आएंगे, शायद कुछ लोगों के सवाल भी हैं, मगर हमारे आखिरी वक्ता आज के सुनील हैं, तो सुनील देयर यू आर। तो सुनील अभी जेएनयू में एक विद्यार्थी हैं, पीएचडी कर रहे हैं और वो युवा आंदोलन और खास करके विद्यार्थी स्टूडेंट मूवमेंट्स में भी काफी एक्टिव रहे हैं, खास करके नागरिकता और हायर एजुकेशन के मुद्दों को लेकर उन्होंने काफी आवाज भी उठाई है और आंदोलन में योगदान भी दिया है। पैंडेमिक के दौरान उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स सॉलिडारिटी नेटवर्क एक संस्था संगठन है, उसके साथ काम किया था। तो सुनील, आई विल इनवाइट यू टू मेक सम रिमार्क्स। जस्ट वन थिंग इज टू broaden the discussion little bit, कि थोड़ा हम लोग lockdown pandemic से थोड़ा निकल कर आए, and I think वो आपका intention भी था कि broader एक जो informalization of work है and the particular impact on young workers, उस पे अगर you know you can focus your remarks on these two issues, that would be great. So we have about, if we can keep it to about 7 to 8 minutes, because then we'll take a few questions. Sure, sure. थैंक यू अनिंदिता और सभी साथी को जिंदाबाद और लाल सलाम। मैं थोड़ा जैसे अनिंदिता बोल रही थी, थोड़ा पीछे हट के थोड़ा मोर मतलब जो आज का दिन में जो देश का मेहनत कश जनता का जो स्थिति रहा और जिनका एक हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा जो प्रवासी मजदूर है, उनका आज का सिचुएशन कोई एक मतलब एक्सीडेंटली या मतलब स्टेट का, राज्य व्यवस्था का कोई एक बेनेवोलेंस है, लेकिन मतलब कोई लैक ऑफ कैपेबिलिटी की वजह से नहीं आया। इट्स नॉट बाय एक्सीडेंट और बाय लैक ऑफ विल और कैपेबिलिटी, लेकिन आज का जो बुरा स्थिति जो है वो एक बाय सिस्टमिक डिजाइन से आया। इस पे थोड़ा बात रखूंगा मोटे मोटे तौर से और ब्रीफली, वेरी ब्रीफली, आई कीप इट शॉर्ट। मतलब आज का जो पूंजीवादी व्यवस्था जो बनी गई है दुनिया भर में, मतलब इसका एक अहम रोल रहा जो देश का आज का मेहनतकश जनता का जो अभी का सिचुएशन के सिचुएशन ऐसा रहने का पीछे, मतलब खास करके मैं एक पिछले 40-50 साल का नवोदारवादी फेस के बारे में बात करता हूँ, जहाँ पे एक वैश्वीकरण, एक काइंड ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन जो हो के मतलब बिग कैपिटल में थोड़ा मोर एकेडमिक टाइप शायद बातें थोड़ा बहुत कहूँगा, लेकिन इसका थोड़ा ओवरऑल समझने के लिए शायद आई थिंक इट हेल्प्स, दैट्स व्हाई। सो एक काइंड ऑफ बिग कैपिटल का मूवमेंट थोड़ा फाइनेंशियलाइजेशन की वजह से मोर इजीली होके एक काइंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन रिलेशंस हुआ, जिसकी वजह से मतलब एक काइंड ऑफ और एक चीप लेबर का जरूरत पड़ा इसकी वजह से, एक वास्ट अमाउंट, वास्ट सी ऑफ चीप लेबर इज हैज बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग दिस
एंडलेस प्रॉफिट मेकिंग मशीनरी ऑफ कैपिटलिज्म, न्यू लिबरल कैपिटलिज्म, जिसकी वजह से दो मतलब ये दिस टास्क ऑफ अचीविंग लार्ज वास्ट पूल ऑफ लेबर, चीप लेबर, एस्पेशली इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वॉज अचीव, मतलब दो अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू जो हुआ, जिसका एक सेक्शन मतलब एक पहलू हम देखे थे, पिछला वक्ताओं ने थोड़ा बहुत बात भी रखा, मतलब एक काइंड ऑफ जो लैंड जो रिसोर्सेस मतलब ग्रामीण क्षेत्र हो या मतलब ट्राइबल क्षेत्र हो, जहाँ पे भी उनका उधर का जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स का एक डीवैल्यू करा के, मतलब उसका महत्व उसका फाइनेंशियली लेस वायबल करा के, और वो रिसोर्सेस खींचने का एक प्रोसेस एक्सेलरेट करा के, उनका जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड से जो जनता ग्रामीण क्षेत्र का जनता को फ्री करा के, मतलब कोट एंड कोट फ्री, मतलब वो उनका, क्योंकि वो उनका सस्टेन नहीं करा सकता, इस टाइप का एक सिस्टम बना के इनका मतलब मजबूरी बना दिया कि वो पलायन करके शहरी क्षेत्र में आके मतलब लो वेज पे लो क्वालिटी वर्क करने के लिए एक मजबूरी बना दिया लार्ज स्केल पे, जिसकी वजह से मतलब, और दूसरा एक और भी रहा कि ये जो राज्य व्यवस्था जो पूंजी व्यवस्था के साथ संबंध रखता है, बहुत नजदीकी संबंध रखता है, वो उनका जो बुनियादी जिम्मेदारी जो होता है, जैसा मतलब एक नागरिक होके एक मिनिमम राइट्स जो मतलब संविधान भी बात रखता है कि हाँ एक डिग्निफाइड लाइवलीहुड, जिसका एक पहलू होता है कि राइट टू हाउसिंग, मतलब राइट टू डिग्निफाइड हाउसिंग, राइट टू सैनिटेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी से राज्य व्यवस्था पीछे हट गया पिछला 40 साल से, 30-40 साल से, तो ये ओवरऑल सिस्टम को भी बेनिफिट हुआ कि ये जो शहर में या अलग अलग मतलब within the state हो सकता है, within the province state, उसी सबसे मैं बोल रहा हूँ, या मतलब बड़े बड़े शहर भी हो सकते हैं जो इंडस्ट्रियल हब्स रहा, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, ये सब, इसमें जिनका मतलब ये सारा मुनाफाखोरी जो होता है, मतलब ये पूंजीवाद का वो just to run its own wheels, उसका मतलब ये सारा हक ना देना का भी एक महत्व रहता है, क्योंकि उनका मतलब ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एम्प्लॉयर या स्टेट का, अगर उनका जिम्मेदारी से हट गया तो ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग का फायदा मिलता है, तो ये सारे होके एक काइंड ऑफ सिस्टम बन गया कि मतलब देश जो चलाने वाला, जो देश और शहर जो चलाने वाले मजदूर लोग, जिनका although these people run the entire machinery by their labor, उनका खुद का livelihoods का एक हिसाब से बहुत गिरावट हुआ, उनका मतलब कुछ रहने का कुछ ठिकाना नहीं है, मतलब cyclical migration होता है, 6 महीना इधर रहता है, 6 महीने इधर रहता है, कुछ मतलब अनऑथराइज कॉलोनीज होता है, स्लम्स होता है, फ्लाईओवर्स के नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं, इस तरह का उनका बच्चे लोगों का एजुकेशन का कुछ गारंटी नहीं है, ये सब बेसिकली सस्टेनेंस वेजेस के साथ विदाउट एनी मिनिमल सिटीजनशिप राइट्स, जो मैंने कहा मतलब राइट टू सैनिटेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी विच इज पोर्टेबल, विच कैन बी पोर्टेबल, सोशल सिक्योरिटी का यूनिवर्सलाइजेशन, ये सब का ना होके उनका खुद का लाइवलीहुड्स का पिछला 30-40 साल में एक काइंड ऑफ अर्बनाइजेशन पुश हुआ, जिसमें एक सेक्शन ऑफ एलीट्स का उनका लाइफ बहुत लग्जोरियस हो गया, वास्ट मेजोरिटी ऑफ मेहनत कश जनता है जिनका बहुत बहुत गिरावट हुआ लाइफ में,
इसका मतलब जिसमें जिसमें प्रवासी मजदूर एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ पीपल है, तो इसका एक वर्क में भी एक काइंड ऑफ बदलाव हुआ कि मतलब वर्क बहुत डिस्पर्स तरीके हो गया, बहुत होममेड होम बेस्ड वर्क का भी बहुत ज्यादा छोटे छोटे एंटरप्राइजेस बन चुके हैं जिनका कोई कुछ सोशल सिक्योरिटी नहीं रहता, सेल्फ एम्प्लॉयड हॉकर्स इस टाइप का भी वर्क का बहुत एक्सपैंड हुआ आज, मतलब रिसेंट ईयर्स में गिग इकोनॉमी भी बहुत जो जिसका गिग वर्क में बहुत सारे लोग प्रवासी मजदूरी है, तो इस टाइप का ओवरऑल सिनेरियो में पिछला 30-40 साल में मतलब मान लीजिए 60 साल पहले कोई इंडस्ट्रियल टाउन में मतलब ठीक है, मतलब एक समय के बाद जितना भी नीचे स्तर का मजदूर हो कुछ ना कुछ हद तक थोड़ा बहुत एक सिक्योरिटी लाइवलीहुड का सिक्योरिटी को एक परमानेंसी इन एम्प्लॉयमेंट इस टाइप का कुछ आता था, मतलब उनका मतलब 50-60 साल पहले प्रवासी मजदूर नाम के चीज शायद नहीं रहा, शायद नहीं था, लेकिन ये सारा नवोदारवादी पॉलिसी जो गैर बिरादरी को आगे बढ़ाता है वो उसका एक अहम रोल रहा कि आज का जो सिचुएशन ये बनाने में, तो मतलब इसका ये सब का असर ये सब का एक इफेक्ट लॉकडाउन में भी दिखा, जो मतलब द लैक ऑफ सिटीजनशिप राइट्स एज वेल एज इकोनॉमिक राइट्स बीइंग नॉट सिक्योर, ये दोनों मिला के सस्टेनेंस वेजेस तो सेविंग कुछ रहा नहीं, उसके वजह से मतलब हार्डली मतलब लॉकडाउन जब पहली बार अनाउंस हुआ मतलब इट वाज अनाउंस फॉर फ्यू वीक्स एंड मतलब द वेरी फैक्ट द वेरी आइडिया दैट कि कुछ हफ्ते या कुछ महीने के लिए मेरा काम नहीं रहेगा, इसका इम्प्लीकेशन तुरंत ये रहा कि मुझे गांव जाना पड़ेगा, मतलब इतना सेविंग्स भी नहीं है कि मतलब द वेरी प्रॉस्पेक्ट ऑफ नॉट हैविंग वर्क फॉर फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स हैज इंस्टिल्ड सच ए डेस्परेट सिचुएशन इन माइग्रेंट वर्कर्स की गर्ल एट एनी कॉस्ट डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा जाना ही पड़ेगा, मतलब एक तरीके से कुछ सोशल फुटिंग भी नहीं है, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, सोशल नेटवर्क्स जो गांव में रहते हैं वो शहर में है नहीं, कभी बना नहीं, क्योंकि मतलब हमेशा इट्स सस्टेनेंस लिविंग, कुछ मतलब 12 घंटे का काम होता है उसके बाद कुछ और करने का उतना टाइम नहीं मिलता उतना, तो ये सारा मिला के जो लॉकडाउन और उसके बाद हमने देखा वो सारा सिचुएशन पैदा हुआ, जिसका एक हिसाब से मैं जो पहले बोला उसका वो सारा व्यवस्थीकृत कारण है, सिस्टमिक फैक्टर्स जो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स जो है वो था, तो उसके बाद इसमें जो सरकार का रेस्पॉन्स जो रहा उसमें मतलब बहुत ज्यादा हम सब जानते हैं बहुत उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं रखूंगा, लेकिन एक दो बात एक दो चीज बोलूंगा कि मतलब ओवरऑल ये पैंडेमिक के थ्रू एक ये श्रमिक कानून जो नया श्रमिक कानून का पास जो मतलब 2019 से लेके 20 तक 20 में चार श्रमिक कानून जो पिछला 70 साल का जो मोर देन 40 लेबर लॉस को इनको मतलब काइंड ऑफ रिप्लेस कर रहे उसका भी एक और जो मेहनत कर जनता के ऊपर एक अटैक काइंड ऑफ ही देखना पड़ेगा ये जो नया चार श्रमिक कानून, ऑल्दो ये श्रमिक कानून होता है इन थियरी लार्जली रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्क, लेकिन हम देख रहे थे कि ओवर डिकेट्स ओवर द रिसेंट डिकेट्स एज वेल एज विद दिस लेबर कोड्स दैट हैव बीन पास्ड विद दिस न्यू लेबर कोड्स ग्रेट इन्फॉर्मलाइजेशन होने जा रहा है, मतलब ऑलरेडी हो रहा है उसका एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि lot of provisions within these labor codes have heightened the limits of whatever
benefits for the employees or even मतलब retrench करने का limit भी 100 से 300 बढ़ाया गया. फैक्ट्रीज एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन 10 से 20 और 20 से 40 का वर्कर्स के बेसिस में पढ़ा गया. सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जो काम करते उनका भी लिमिट बढ़ाया गया 50 तक लेके गया कि मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर 50 से ज्यादा होने से ही कुछ कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर आता है. सो ये सारा चीज तो दूसरा चीज जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो अटैक जनरली होता है उसका स्पिल ओवर इफेक्ट ज्यादा नीचे भी स्पिल ओवर होता है. तो उस हिसाब से जो प्रवासी मजदूर लोग जो ज्यादातर 90% ऑलमोस्ट इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनके ऊपर भी आगे वाले दिनों में और गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा ड्यू टू सरकार की पॉलिसीज की वजह से. तीसरा ये जो बाकी लेबर छोड़ के बाकी सेक्टर्स में भी जो ट्रांसफॉर्मेटिव लीगल चेंजेस ला रहे हैं मतलब जिनको मतलब एजुकेशन में नया NEP लाया गया, कृषि क्षेत्र में नया कानून जो लाने का कोशिश था वो उसको एक हीरोइक स्ट्रगल के थ्रू किसानों ने ओवरटर्न किया. और मतलब एनवायरनमेंट नया EIA पॉलिसीज लाने का कोशिश कर रहा था. तो ये सारे की वजह से भी मजदूर लोग प्रवासी मजदूर के ऊपर असर पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल NEP में एक मेजर थ्रस्ट रहा कि एजुकेशन मतलब हायर एजुकेशन को अंडरमाइन करा के स्किलिंग के ऊपर ज्यादा थ्रस्ट दिया गया. तो एज सच मतलब सरकार का जिम्मेदारी ये ना रहा कि जिनका मतलब रिसर्च पढ़ना चाह रहे और उनका कुछ उनका सपोर्ट देने के बजाय तुम स्किलिंग पे ध्यान करो ताकि तुम जो ये सारा पूंजीवादी व्यवस्था चलाने के लिए जिनका जो बेसिक मंडेन एक्टिविटीज कोट एंड कोट मंडेन एक्टिविटीज जो करना पड़ेगा उन पे ध्यान दो. उस हिसाब से वो जो लेबर मार्केट को इस हिसाब से ट्रांसफॉर्म करने का कोशिश बाकी एजुकेशन के सेक्टर के थ्रू भी कराया जा रहा है अभी ये खास करके नया NEP के थ्रू. तो तीसरा तो उस हिसाब से ये सारा चीज के मतलब आई क्लोज इन ए बिट ये सारा चीज की वजह से मतलब आगे का रास्ता जो है मतलब हम मतलब जो देश का लोगों का ऑर्गेनाइजिंग मजदूर लोगों का ऑर्गेनाइजिंग आगे उसमें स्टूडेंट यूथ का इन्वॉल्वमेंट ये सब का मतलब द इम्पोर्टेंस कांट बी स्ट्रेस इन द स्ट्रेस्ड मोर और एनीथिंग बट इसका तो आई थिंक आई विल एंड देयर व्हाटएवर एनीथिंग एल्स there is anything else I'll address in the sections. Sunil, that was really great. So very quickly to sum up, you were doing English and Hindi both mostly. So just to say that Sunil made some very important connections between the migrant worker question around dignity, employment, to a much longer historical structural transformations we see in the way labor and capital itself is organized, the retreat of the state from protecting and the rights of workers and regulating these relationships between workers and capital, and this gradual erosion of economic and social rights. So he really made these links very explicit and clear that we are not just talking about a migrant worker crisis or migrant worker distress in a particular moment in time, but that these are long and deep changes. So thank you for making that connection and also talking briefly about the labor laws and the changes, the changes in the labor laws that will only deepen these
the effects that we're seeing. And another important point, and is the last point that you made about how changes in the education policy as well are sort of almost hand in glove with this kind of informalization of work, where there's an informalization of the kind of education, moving from education to skilling as a way of also looking at the kind of knowledge or education that you impart is moving towards this informal, an informalized orientation of skilling, which we also know that during this time, all the skill development programs and people's placements in them also failed horrendously during this time. So I think skilling is, there's a big question mark. So I think iske saath hum log fir se ek we have maybe 15 minutes. So agar kisi ke sawal hain, vaktaon se bhi main ye guzarish karungi ki agar sawal hain to if you can just raise your hands or I'll call on you. To do teen sawal ikhatte karke fir we'll give everybody a chance to respond. To pehle audience se या जो अभी अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपके सवाल हैं तो अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ऑडियंस के कुछ सवाल हैं? ओके, तो मैं फिर से वक्ताओं से ही पूछूंगी। ताहिर, सुनील, मेज़बीन, प्रवीण, अशोक, अगर आप एक दूसरे के जो आपने सुना उस पे आप अगर कुछ बात रखना चाहेंगे या सवाल पूछना चाहेंगे तो पहले सवाल, और फिर जब आप आपकी बारी आएगी तो आप उसमें अपनी आखिरी टिप्पणी भी रख सकते हैं। तो एनीवन, मेज़बीन, वुड यू लाइक एनी क्वेश्चंस? मुझे एक मिनट टाइम दीजिएगा। हाँ गुलजार, हाँ आप कुछ रखना चाहते, आप पहले अपना सवाल पूछिए। एक मिनट, एक्चुअली मैं बाहर हूँ, गाड़ी चल रही ना। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम लोग आप गुलजार म्यूट पर हो गए हैं। ओह, हाँ। म्यूट पर जा रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था मैम कि जो मजदूर की बातें हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन से बुरा स्थिति तो अब होने लगा है, क्योंकि काम बंद हो गया। अभी मेरे बहुत लोग जानने वाले गोवा में हैं, इधर उधर हैं, सब लोग मुझे फोन करते हैं, यार लॉकडाउन से तो और बुरा स्थिति होने लगा है, क्यों हो रहा है? मतलब काम ही नहीं मिल रहे हैं वो लोग को, प्राइवेट घरों में काम नहीं करवा रहे, लॉकडाउन के कारण उनके पास पैसे नहीं है तो उनको काम नहीं मिल रहा, सरकारी काम चल कहाँ रहा है? ना नरेगा चल रहा, ना कुछ चल रहा है। नरेगा का जो काम किया हुआ है, लगभग 5 महीने से पेमेंट नहीं मिला है, कैसे काम करेगा? मैं उस टाइम पे जो करवाया हूँ काम 25 लोगों का, एक लोग को पैसा नहीं मिला है। ब्लॉक में जाता हूँ तो कहते हैं सरकार के पास पैसे नहीं है। 5 महीने हो गए, ग्राम सेवक से बात करते हो लोग कहते पैसे नहीं आ रहे, हम कहाँ से दें भाई, हम घर से दे दें क्या? इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है? 5 महीने का काम हो गया, उसका तो गारंटी है 15 दिन में भुगतान करना है। बिल्कुल, और ये बहुत अहम सवाल है, इस पे अगर कोई कुछ बात रखना चाहे। गुलजार खुद एक प्रवासी श्रमिक रहे हैं और अभी अपने गांव में वापस झारखंड में हैं, मगर खुद गोवा में लॉकडाउन के वक्त फंसे थे और उन्होंने काफी कुछ काम किया वहाँ के प्रवासी श्रमिकों को संगठित करने में और कलेक्टिव कंप्लेंट्स फाइल करने में, और अब गांव में श्रमिक कार्ड बनवाने का भी काम कर रहे हैं। तो गुलजार का सवाल यही है कि व्हाट इज द फ्यूचर इन अ वे लुक लाइक फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क, व्हेन जो सुनील के इंटरवेंशन थे, इट्स Sunil, you'd like to respond because it's linked to your final comments. So maybe Sunil, and agar aur kisi ko respond karna hai, toh you can just raise your hand, then I'll call on you. Pandemic se jo aur bhi bura hal hua, aur bhi employment ka opportunities kam hote ja rahe, aur narega bhi सफिशिएंट नहीं हो पा रहे, मतलब और तो इसका मतलब एक एक इसके खिलाफ लड़ने का ही एक मतलब ऑप्शन है कि जैसा मतलब शहरी नरेगा का डिमांड उठ रहा था, और मतलब एक चीज बोलना था कि मतलब देश का, मतलब आज का, मतलब भारत का
भारत सरकार का रवैया जो रहा कि मतलब जो लॉकडाउन पैंडेमिक का शुरुआत में लॉकडाउन में मतलब बहुत सारे राइट विंग गवर्नमेंट जो दुनिया का वो भी कैश ट्रांसफर कैश असिस्टेंस सम फॉर्म ऑफ कैश असिस्टेंस दे रहे थे एक्सेप्ट इंडिया. मतलब इंडिया इज सिर्फ इसी देश एक अकेला जो मेजर इकोनॉमी है जो सबसे मतलब अंडर प्रिविलेज वल्नरेबल पॉपुलेशन को जो कैश ट्रांसफर कैश असिस्टेंस ऑफ एनी फॉर्म हैजंट हैपेंड. मतलब देश मतलब यूके हो यूएस हो अलग अलग इवन राइट विंग गवर्नमेंट्स हैव डन इट बट सो उस हिसाब से मतलब इस सरकार का रवैया काफी काफी एंटी पीपल रहा. तो उसका ये सारा डिमांड्स उठा के हम जितना ऑर्गेनाइज कर पाएंगे उसका बेसिस पे ही हमारा मतलब फ्यूचर निर्भर है. और स्पीकर्स कुछ जोड़ना चाहेंगे या सवाल पूछना चाहेंगे? हाँ प्रवीण. आई थिंक जो ये सवाल ताहिर ने पूछा था राइट गुलजार सॉरी. हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि जो मजदूरों की हालत जो है वो पोस्ट पैंडेमिक ज्यादा खराब होगी. जैसे कि मैं एक एग्जांपल में देना चाह रहा था कि इन सेटलमेंट्स में कुछ मजदूर जो हैं डेली बेसिस पर लोन लेते हैं. सो द डेली बेसिस लोन इज द इंटरेस्ट फॉर द डेली बेसिस लोन यूज टू बी 10%. सो जो छोटे की 5,000 रुपया ले लिया 2,000 रुपया ले लिया 8,000-10,000 रुपए ले लिया द इंटरेस्ट रेट फॉर द डेली लोन हैज बीन इंक्रीज टू 12% नाउ. मतलब कि जो डेली जो ये लोन लेने वाले लोग कौन है ये लेने वाले लोग हैं जो डेली वेजर्स हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं ऑटो रिक्शा चलाते हैं छोटे मोटे काम करते हैं फैक्ट्रियों में काम करते हैं. तो इनको अपने किसी काम के लिए जब लोन लेना पड़ता था बाजार से या ऐसे इनफॉर्मल लोन लेना पड़ता था तो उसका ब्याज था 10%. अब वो 10% से बढ़कर 12% हो गया है. अब वो गारंटी के लिए लोग मांगते हैं. अब जो लोन की छोटे मोटे लोन की जो जरूरत है वो कम नहीं हुई है वो ज्यादा बढ़ी है लेकिन उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी बढ़ गया है. तो ऑफकोर्स वो जो काम की जो बात करी गुलजार ने वो तो बिल्कुल जायज बात है. काफी खराब स्थिति है. कंस्ट्रक्शन वर्क लोगों का काम खत्म हो गया. कंस्ट्रक्शन जो लेबर थे वर्कर्स थे जैसे वेस्ट वर्कर्स फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं काफी सारी. दिल्ली के इतने इंडस्ट्रियल एरियाज में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं जो प्लास्टिक के जो वेस्ट निकलता था उसको जो इकट्ठा करते थे वेस्ट वर्कर्स उनके लिए काम नहीं है. अब वो दिहाड़ी मजदूर बन गए हैं. तो ये तो हुआ ही हुआ है. बाकी ये चीजें भी खराब हुई हैं. दैट्स व्हाट आई जस्ट वांटेड टू ऐड इन दैट. और किसी के सवाल हैं? ताहिर या अशोक आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? मैम मेरा वो नरेगा वाला जवाब नहीं दिया है. मैम नरेगा का पैसा सरकार वसूली कर रहा है इस टाइम पे रिकवरी तौर पे. उसका अधिकारी आके कर रहे हैं सोशल ऑडिट. मजदूर को जो 5 महीने से पैसे नहीं दिए उसका रिकवरी कौन देगा? वो तो अपना पैसे ले रहे हैं. मतलब रिकवरी करो एफआईआर कर दे रहे हैं डीडी से एफआईआर कर रहे हैं. तो लोग को ये नहीं समझ में आता हम भी तो मतलब जो मजदूर काम किए हैं 5 महीने से पैसे नहीं दिए उसका पैसे मतलब कौन रिकवरी करवाएंगे? बिल्कुल. और जो कानूनी प्रावधान है भी मुआवजा का और जो विलंबित भुगतान का मुआवजा है उसका प्रावधान है. मगर अगर आपके बजट नरेगा के बजट में ही पैसे नहीं है तो मुआवजा छोड़िए जो भुगतान भी है मजदूरी भी है वो भी पूरा नहीं कर पा रहे सरकार. और ये मतलब एक गैर कानूनी कदम है जिसके विरोध लड़ रहे हैं. मंच बने हैं अलग अलग जगहों में मजदूर संगठन ये बात उठा रहे हैं. इसी तरीके से मतलब कानूनी व्यवस्था के तरफ भी जाना होगा और कोर्ट में भी जाना होगा. प्रशासनिक मतलब दबाव भी बनाना होगा संगठित दबाव भी बनाना होगा. इसके अलावा मुझे और रास्ते नहीं दिखते. मगर शायद मैं जबीन या ताहिर या अशोक शायद इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे. नहीं वही बोलना चाह रही थी कि बजट तो होगी शायद होगी या नहीं भी होगी तो उनको ही मालूम है. लेकिन अगर काम मजदूरों को काम करवाई है तो उसके मुनाफा तो उनको मिलनी ही चाहिए.
तो वो तो एक है, तो हमें लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा, लीगली थ्रू कोर्ट जाना ही पड़ेगा, या नहीं तो ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ जो डिमांड है वो ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डिमांड ही हमारा आखिरी रास्ता, ये दो ही रास्ता हमें उठाना पड़ेगा। यही बोलना चाहूंगी गुलजार की बात पे। और ताहिर को एक्चुअली मैं पूछना चाह रही थी कि ताहिर सिलचर से बिलोंग करते हैं, तो सिलचर की कौन सी एरिया या कौन से गांव ताहिर बिलोंग करते हैं वो थोड़ा अगर बताए तो हम भी कोशिश कर सकते हैं कि उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन के बात की है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, तो हाँ दीदी, हाँ मेरा डिस्ट्रिक्ट सिलचर है, मैं सिलचर डिस्ट्रिक्ट में काटीगुड़ा ब्लॉक में रहता है। हाँ, आपने जो एजेंट की बात की थी ना ताहिर, तो वो कौन एजेंट थी, किस एजेंसी से आपने वो एक्चुअली कार्ड बनवाए थे? हाँ, जो ये जो जो केस, ये स्पेसिफिक जो केस है, इसको शायद हम लोग ये समाप्त होने के बाद अगर इस पे करें तो क्योंकि एक और सवाल है कि जो, और ये सभी के लिए है मगर खास करके शायद अगर अशोक और ताहिर पहले बात रखना चाहें तो एक सवाल ये है कि आर्थिक असुरक्षा के साथ जो प्रवासी मजदूर जब दूसरे शहर में जाते हैं तो दूसरे प्रकार का भी जो भेदभाव या दूसरे प्रकार की जो असुरक्षाएं का सामना करना पड़ता है, तो इसके बारे में ये खुद आपका अनुभव हुआ है या इसके बारे में आप कुछ बात रखना चाहेंगे, खास करके जो मुस्लिम आदिवासी दलित मजदूर साथी हैं उनका क्या अनुभव रहा है शहरों में, इस पर ताहिर, अशोक और फिर बाकी वक्ताएं अगर बात रखना चाहें तो। हाँ दीदी, आपने सवाल सुना? हाँ हाँ, कुछ बात रखना चाहेंगे? आप वही बोला है ना, अभी जो भी चल रहा है हिंदू मुस्लिम का बारे में, उसका बारे में क्या दीदी? मतलब आर्थिक असुरक्षा के अलावा जब आप शहर में गए, जब आपने पलायन किया, तो उसके अलावा और कुछ भेदभाव का सामना करना पड़ा और फिर क्या झेलना पड़ा? आर्थिक असुरक्षा, मजदूरी की तो बात हुई है, उस प्रकार की असुरक्षा की तो बात हुई है, मगर दूसरे प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ा था? नहीं अभी तो मतलब पहले नहीं था, पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जैसा लॉकडाउन का टाइम में मैं तो आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में था, उस टाइम भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ दुकान में जाने के बाद रेशन वेशन लेने का टाइम में। हेलो हाँ, उस टाइम भी थोड़ा हिंदू मुस्लिम का वो लोग बोला है आप लोग मुस्लिम है, आप लोग का पास कोरोना है, ऐसा ही थोड़ा बात किया था। बाद में तो अभी हम लोग तो आ गया यहाँ से, उस लॉकडाउन का टाइम में ऐसे ही थोड़ा बात हुआ। मैम अभी हमारा गांव में असम में वो भी ऐसा नहीं है, मैं जहाँ पे रहता है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई बात भी नहीं है, ऐसा ही चल रहा है। हमारा हमारा गौर का बाजू में हिंदू आदमी लोग है, उसका गौर का बाजू में हम लोग का मुस्लिम भी है, वो हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। वो जैसा मतलब बाहर में शहर में ऐसे ही चल रहा है, तुम हिंदू मैं मुस्लिम ऐसे ही चल रहा है। और दो तीन दिन से कर्नाटक से लेके मतलब जो हो रहा है हमारा यहाँ पे भी चल रहा है, उसका आंदोलन चल रहा है हिजाब के बारे में। हाँ, और ये एक तरीके से मुद्दे सब जुड़े हैं, वही इसका मकसद भी ये है कहने का कि ये अलग मुद्दे नहीं है, जुड़े हैं। और युवा का सवाल है, शिक्षा का सवाल है और रोजगार का भी सवाल है। अशोक जी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे, खास करके जो आदिवासी युवा हैं जो पलायन करते हैं, उनके क्या कोई खास समस्याएं या मुद्दे जिस पर आप बात रखना चाहेंगे? हेलो जी, ये जैसे मैं अभी जाति का जो बात हुई है, ये तमिलनाडु जब गए थे उस समय हम लोग के बीच में थोड़ी सी समस्या हुई थी तो भाषा को लेके, जैसे तमिलनाडु में तमिल लोग थे तो ज्यादा जैसे वो लोग हिंदी ज्यादा नहीं समझ पाता है, जैसे हम लोग वहाँ एक नार था, वहाँ नहाने जाते थे तो संडे को, तो वो लोग
मैंने ड्रिंक करता है पीता है, तो वहाँ हम लोग तो जाते हैं तो नहाने कभी दो तीन बार ऐसे डिस्टर्बेंस हुआ है, तो कभी पत्थर से भी मरा था हम लोग पलते, फिर हम लोग ड्रेस व्रेस सब मैंने वही चोर चाड़ के फिर अपना रूम की तरफ पल। ठीक है, थोड़ी आवाज कट रही थी, मगर मैं समय देखते हुए बस एक सवाल सबके लिए पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो चर्चा है। हाँ सुनील, यू वांट टू ऐड समथिंग? जी, ये वाला आई मीन एक्स्ट्रा इकोनॉमिक आई मीन व्हाटएवर आई मीन लॉकडाउन के समय कुछ बेंगलोर में जो कुछ साथी जो रिलीफ वर्क कर रहा था वो बोल रहा था कि मुस्लिम नेबरहुड्स में जब रिलीफ बांटने के समय ही फेस्ड लॉट ऑफ आई मीन फ्रॉम लोकल आरएसएस ग्रुप्स दैट ही फेस्ड लॉट ऑफ, इट वाज क्वाइट टफ डिफिकल्ट आई मीन दे डिड अ लॉट ऑफ आई मीन दे क्रिएटेड लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और दूसरा मतलब 2017 में शायद राजस्थान में अलवर में शायद अफराजुल का लिंग हुआ जो भी बंगाल से प्रवासी मजदूर था, तो ये सारा मतलब जो देश का सांप्रदायिक तत्व है जो अभी राज कर रहे हैं उनका तो काफी अलार्मिंग सिचुएशन ही स्पेशली प्रवासी मजदूर पे है, मतलब दैट्स अनडिनेबल। और दूसरा एस्पेक्ट है मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड मतलब इट्स नॉट एड्रेसिंग दिस बट दूसरा एस्पेक्ट है मतलब एक चीज सॉलिडारिटीज अमॉन्ग वर्किंग पीपल मतलब प्रवीण जी कह रहे थे वो डेफिनेटली है मतलब स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस ऑफ सॉलिडारिटीज, बट एक चीज भी थोड़ा बहुत एक्नॉलेज करने का जरूरत है जो मतलब सीखने का जरूरत है कि मतलब जैसे मैं सुनता हूँ दिल्ली एनसीआर गुड़गांव ये सारा इंडस्ट्रियल इलाके में खासकर मतलब विद इन वर्किंग वर्कर्स इटसेल्फ लोकल और माइग्रेंट का थोड़ा मतलब इट्स नॉट ए स्मूथ राइड स्मूथ रिलेशनशिप बिटवीन देम। दोनों एक साथ ही फैक्ट्री में काम करते हैं लेकिन मतलब ये सारा डिफरेंसेस ये सारा कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन इट्स ए हार्ड फैक्ट मतलब दोनों का मतलब आपस में ऑर्गेनाइजिंग ये सब का सवाल जब मतलब उसका आंसर ढूंढने के समय ये सारा जो डिवाइड्स बिटवीन द वर्किंग पीपल का कैसे एड्रेस करना ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। थैंक यू। बिल्कुल, और मैं इसमें ये भी जोड़ूंगी कि जब रिलीफ का एक वितरण का की बात भी हुई तो जो नेटवर्क्स बने थे वो भी एक तरीके से कास्ट रिलीजियस और कम्युनिटी लाइंस पे ही हमें जिस जो कॉल्स आते थे वो एक तरीके से कुछ ग्रुप्स और क्लस्टर्स से आते थे, तो एक तरीके से एक सपोर्ट नेटवर्क्स भी हैं मगर नेटवर्क्स ऑफ एक्सक्लूजन भी उसी तरीके से बनते हैं। तो ऐसा नहीं था कि रिलीफ बिल्कुल एक यूनिवर्सल तरीके से हो रहा था, चाहे वो सरकारी रिलीफ है या चाहे वो गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से हो रहा था, तो वो डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस रहा था। और मैं आखिरी एक सवाल सबसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आफ्टर ऑल ये युवा संवाद है और हमने कोशिश की है कि अपने अपने इंटरवेंशंस में हम लोग युवा पर फोकस रखें, मगर एक तरीके से इसको कंक्लूड करते हुए अगर सारे वक्ता एक या दो लाइंस में हमें बताएं कि आप जो युवा की भूमिका है प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों के या हकों के बारे में अगर ये बात उठाएं या उस पे जोर दें, तो खास करके युवाओं की क्या भूमिका रह सकती है और आपने क्या युवाओं की क्या भूमिका है उस पर आपने बात रखी है, मगर आगे जाकर हम लोग युवा की क्या भूमिका देखते हैं इसे आंसर करते हुए अगर हम लोग आज का सेशन कंक्लूड करें, तो शैल वी कैन स्टार्ट विथ अशोक, आपसे शुरू करते हैं। जी, इसमें ये बोलना चाहूंगा जैसे इसमें युवाओं को देख लीजिए, जैसे हम लोग का जर्कन में बहुत सारा इंडस्ट्रियल है लेकिन वहाँ पर हम लोग का जर्कन के ही मैंने मजदूर को मौका नहीं मिलता है। हम ये चाहेंगे सरकार से भी
या अगर कहीं जापान में भी कहीं माइंस बनता है या कंपनी बनता है, कंपनी बनने से पहले वो लोकल चित्र को एक सर्विया किया जाए, और सर्विया करने के बाद जो वहाँ पर जो प्रोडक्ट करना चाहेगी कंपनी वो हिसाब से वहाँ पर स्किल डेवलप करे और वहाँ का लोकल लोगों क्षेत्रीय लोगों को पहले प्रायोरिटी दे, ये हम चाहेंगे। और दूसरा पलायन में किसी को जाने के बाद प्रताड़ित ना होने के लिए सरकार ये करना चाहिए ब्लॉक वाइज एक लेबर कार्ड टाइप का जैसे श्रमिक कार्ड बना देना चाहिए, और वहाँ पर उसके बाद ब्लॉक में एक तो शिकायत निवारण रहना चाहिए, जो लेबर कार्ड में वो नंबर रहना चाहिए, जो भी पलायन कर जाता है दूसरा स्टेट तो कहीं भी समस्या हो जाने से डायरेक्ट शिकायत करके उसका समस्या का समाधान हो सके। शुक्रिया अशोक, ये बहुत बिल्कुल ठोस सुझाव थे जिसपे मुझे नहीं लगता है कि सरकार को मुश्किल होनी चाहिए। ये दो बहुत आपने एक्चुअली बहुत ठोस सुझाव सामने रखे हैं, जबकि समस्या शायद काफी बड़ी है। पर महज ताहिर, आप जोड़ना चाहेंगे आखिरी टिप्पणी? हेलो, हाँ ताहिर, सवाल ये है कि आप युवा की भूमिका क्या देखते हैं प्रवासी मजदूरों के अधिकारों को सशक्त करने में? मैं वही चाह रहा हूँ, जैसा मतलब हमारा आसाम सरकार गवर्नमेंट मतलब हमारा गांव में तो नौकरी चाहिए, अभी नौकरी बंद है, नौकरी नहीं है, आदमी लोग को काम नहीं मिल रहा है, जो भी मतलब ज्यादा नौकरी होना चाहिए, तो हमारा गांव का आदमी गांव पे भी काम करना पड़ेगा, काम करेगा, बाहर नहीं जा सकता है वही। और जो भी हमारा मतलब गांव के लिए जो भी गवर्नमेंट देता है वो सही से हाथ में नहीं पहुंचता है, जो जिसका नाम पे सेंक्शन हुआ जो भी चीज है वो भी मतलब उसका हाथ में नहीं पहुंचता है। जैसा बहुत स्कीम चालू हुआ वो भी जितना आदमी को नहीं मिलने वाला था वो लोग को मिल रहा है, जो आदमी लोग को सही से मिलता है वो लोग को नहीं मिल रहा है, जितना आदमी पैसा लोग पैसा वाला है वो लोग को मिल रहा है, जो गरीब आदमी उसको ये दे रहा है। ठीक ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मेजवी तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आज की युवाएं जो है, मतलब आज की युवाओं के हाथों में ही अपना, अगर हम अपना भविष्य को देखें, अपने फ्यूचर को देखें, तो मैं यही कहना चाहूंगी या यही आशा रखूंगी उन लोगों के साथ कि जो भी हमारी राज्य में हो या जो हमारी कंट्री में जो भी हो रही है कास्ट क्लास रिलीजन को लेकर, उस सब पे ना पढ़ के जो एक्चुअल मुद्दे हैं वर्कर्स रिलेटेड हो या लोगों के हाउसिंग रिलेटेड हो, लोगों की फूड सिक्योरिटी रिलेटेड हो, वो सब मुद्दे को वो समझे, उनकी कैपेसिटी उनके ऊपर बिल्ड करे, लोगों को ऑर्गेनाइज करे और उस पे वो लोग डिमांड रेज करे। एक तो है कि जो जितने भी स्टेक होल्डर्स है, एक तो सिविल सोसाइटी को भी ऑर्गेनाइज करे, सिविल सोसाइटी एक स्टेक होल्डर है हमारी और गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर है हमारी, तो सबको ऑर्गेनाइज करके जितनी भी इनजस्टिसेस हो रही है या जितने भी लोगों को नहीं मिल रही है जो भी सिक्योरिटी, उसके ऊपर वो अपनी बात रखे, वो पॉलिसी मेकिंग भी पे वो जा सकते हैं आज के युवाएं, वही मैं आशा रखूंगी। या थैंक यू। थैंक यू प्रवीण। आप म्यूट पे हो। कैन यू हियर मी नाउ? आई थिंक जिन शहरी क्षेत्र में क्या है कि जो लॉस ऑफ लाइवलीहुड है उसने जो युवा है, जो साथी युवा है, उनकी डिग्निटी को काफी प्रभावित किया है। मतलब सडनली सोशल सिक्योरिटी नहीं है वो मुद्दा, वो नहीं है मुद्दा, है कि जान बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। सो किसी भी तरीके का काम मिले तो टीचिंग इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशन और टेलिंग यूथ अबाउट एनीथिंग इन द सिचुएशन ऑफ प्रिकैरिटी, आई थिंक उसका कोई वो मुझे लगता नहीं है कि वो है। जैसे हम लोग आजकल विजिट कर रहे हैं बाकी जिन सेटलमेंट में,
सो एवरीबॉडी मतलब उनको सबको अपनी जान बचाने की जरूरत लग रही है, किसी के ऊपर उधार है, किसी के ऊपर कुछ है, कोई किसी चीज में फंसा हुआ है. तो समबडी लाइक अस व्हाट वी शुड डू इज आई थिंक इट्स एन एप्ट टाइम टू टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट गारंटी इन अर्बन और सिटीज. आई थिंक उससे वो जो थोड़ा जिस तरीके की प्रिकैरिटी है उसको हम लोग एड्रेस कर सकते हैं. वो कितना कर सकते हैं वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन दिस इज द एप्ट मोमेंट जब हम लोग एक उचित समय है जिसमें कि इस रोजगार अधिकार की हम लोग शहरी क्षेत्रों में बात कर, कर इसको उठाना चाहिए सरकार के साथ. और खासकर ऐसे समय में जब नरेगा का बजट भी सरकार ने खत्म कर दिया है, तो वो लोग कितने लोग वापस जाएंगे वो नहीं जा रहे हैं. वो दूसरे लॉकडाउन में बहुत लोग वापस नहीं गए इन बस्तियों में, क्योंकि वो अपने संसाधनों को वहां भी खत्म कर दिया था. ऐसा नहीं है कि वहां पे एक असीमित संसाधन थे कि कुछ भी शहर में कुछ पड़ेगा तो वो लोग वापस भाग जाएंगे. और असीमित संसाधन थे भी गांव में तो उन लोगों के लिए थे जिनकी जातियां या तो वो दलित नहीं थे या आदिवासी नहीं थे या और कुछ हाशिए से नहीं आ रहे थे. उन लोगों के लिए गाँव में भी संसाधनों की उतनी कमी थी जितनी शहरों में थी. सो आई थिंक इट्स एन एप मोमेंट टू टॉक अबाउट दैट एम्प्लॉयमेंट गारंटी, मुझे ये लगता है. थैंक यू प्रवीण. और पूरी सहमति है यहाँ पे तो कि एक कानूनी व्यवस्था हो, बट फिर भी वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट इट्स स्टिल इन द इट्स स्टिल सोशल सिक्योरिटी ऑफ अ लिमिटेड काइंड एंड गारंटी ऑफ अ लिमिटेड काइंड, बट इट्स स्टिल अ स्टार्ट. और कुछ राज्यों में ये शहरी रोजगार गारंटी कानून लाया गया है, बट ये एक राष्ट्रीय स्तर पर हो आई थिंक ये एक मांग काफी साफ है. सुनील, फाइनल कमेंट्स? जस्ट एंड विद ए स्लोगन व्हिच मतलब मेनी पीपल्स मूवमेंट्स इन इंडिया प्लेस, संघर्ष निर्माण जिंदाबाद. यही मतलब जैसे लॉट ऑफ सॉलिडारिटी इनिशिएटिव्स, ऑर्गेनाइजिंग इनिशिएटिव्स, इसका जितना मैक्सिमम तौर पे उठा सकते हैं इंक्लूडिंग यूथ, दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड. और द्विजी ने हाथ उठाया है. द्विजी, डू यू वांट टू कम इन? द्विजी, द्विजी कैन यू हियर मी? Yeah, his hand is raised. I can't. Yeah, Vijay. आप सुनाई दे रहा है? जी माफ कीजिएगा, मेरा थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा इधर उधर हो जाता है. सभी साथियों को जिंदाबाद. मैं ये बात कह रहा था कि बहुत अच्छे अच्छे विचार आए हैं चर्चा में आज, और बहुत अलग अलग पहलू से देख रहे हैं साथियों. एक बात मुझे लगा कि हम एक तरह से बहुत ही सिस्टमैटिक हो गए हैं. वी हैव टू चैलेंज द पैराडाइम. ये जो पूंजीवादी एक सिस्टम खड़ा किया है जिसके अंदर ये सब हम सब घिस रहे हैं, तो उसको हमें चैलेंज करना चाहिए. और एक तरह से हम अपना ताकत जो यूनियंस में थे पहले और जो कई सालों से विच हैज बीन इरोडेड ओवर द मेनी इयर्स, we have to see how and that is one of the reasons why we have so many unorganized sector and such large migrant labor population. So in some sense we have to see how we can reignite the challenge to capitalism, jo ek tarah se mujhe laga ki aaj ke charcha mein zyada nahi aaya. To bas wo ek baat aage rakhna chahta tha ki ye jo punjivadi ek dhacha hai, इसको हमें इससे हमें टक्कर लेना ही है. क्योंकि अगर ये इतना क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, इफ समबडी कैन ट्रांसलेट दैट वुड बी गुड. वी रियली नीड टू चैलेंज बिकॉज दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक अमॉन्ग अ ह्यूज पॉपुलेशन, एंड विच इज लेबर इश्यू इज जस्ट अ सिम्टम ऑफ दैट डीपर प्रॉब्लम. So thank you everyone, and Zindabad. और Viji ने जो बात रखी ये है कि जो हम लोग शुरू से कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपने व्यक्तिगत अनुभव और
या संगठन के स्तर पर भी अनुभव हो या लॉकडाउन का अनुभव हो, इसको हम लोग एक बड़े एक इतिहास से एक सिस्टम से जोड़कर उसको समझें और उस संदर्भ में हम लोग समझें। सुनील ने इस पे काफी अच्छे तरीके से ये बात रखी थी, तो एक तरीके से द्विजी ने उसी 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 संदर्भ में अपनी बात रखी कि इसको हम लोग एक पूंजीवाद एक सिस्टम या स्ट्रक्चर में जोड़कर हम लोग ये अधिकार की बात करें और समस्याओं की भी बात करें। तो मैं इसके साथ मैं थोड़ा बस कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगी कि हम लोग ने ये पिछले 2.5 घंटे से ये चर्चा चल रही है, एक्चुअली इसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आए हैं। व्यक्तिगत पहले व्यक्तिगत अनुभवों का हमने सुना और दो ऐसे हमारे साथी हैं जिन्होंने खुद झेला है, प्रवासी श्रमिक रहे हैं, उनसे सुना उनकी समस्याएं वेजेस को लेकर, शहर में रोजगार की तलाश को लेकर, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कैसे डील किया और फिर वापस कैसे आए, और फिर कुछ ऐसे साथियों से सुना जो संगठित लोगों को संगठित कर रहे हैं या एक संगठन के ढांचे में काम करते हैं, तो उस नजरिए से क्या दिखा, उसमें भी क्या सीमाएं हैं और क्या क्या लिमिटेशंस हैं, और फिर एक लार्जर काइंड ऑफ हिस्टोरिक इकोनॉमिक जो एक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें हम लोग माइग्रेंट वर्कर के सवाल को समझ सकते हैं, उस पर भी हम लोग ने बात सुनी। और आपके जो सुझाव थे जो आपने एंड में भी रखे, मेरे ख्याल से ये भी मुझे बहुत एक इन अ वे वी आर नॉट एंडिंग ऑन अ बिल्कुल पेसिमिस्टिक नोट, एक तरीके से एक जो आखिर में आप लोगों ने सुझाव दिए हैं, लगता है कि इससे कुछ हद तक शायद बदलाव आ सकता है, मगर अभी भी मुझे ये लगता है ये सीमित बदलाव होगा और उसके आगे कैसे बढ़ेंगे वो मतलब एक और बड़ा सवाल है जिसपे शायद एक और युवा संवाद करना पड़े। तो स्किल डेवलपमेंट की बात हुई, मगर स्किल डेवलपमेंट के भी क्या लिमिटेशंस हैं, सुनील ने इस पे बात रखी थी। ब्लॉक वाइज श्रमिक ब्लॉक, ये भी एक आवाज निकली कि पलायन नहीं करना चाहते हैं, तो एक तरीके से ये पलायन एक ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, मगर दोनों जो हमारे श्रमिक साथी हैं दोनों का ये कहना था कि पलायन को रोकने के अगर कुछ सुझाव सॉल्यूशंस हो या कुछ ऑप्शंस हो तो वो बेहतर होगा। शिकायत निवारण की बहुत एक अहम बिंदु उठाई गई कि शिकायत निवारण की कोई प्रणाली हो जिसमें मजदूर प्रवासी और श्रमिक शिकायतों को दर्ज किया जा सकता है, उसको एक जेन्युइन रिड्रेसल का एक अपॉर्चुनिटी मिले, और इसके अलावा एक एजुकेशन बिल्डिंग एंड अवेयरनेस अराउंड एग्जिस्टिंग लीगल राइट्स, जो कानूनी व्यवस्था है उसको समझें, उसमें क्या कमियां हैं और उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, दोनों को समझें और उसी के अराउंड एक ऑर्गेनाइजेशन या कलेक्टिव एक्शन की एक सोच तैयार हो सकती है। और फाइनली एक अर्बन गारंटी, एक शहरी रोजगार गारंटी कानून की बात हुई और उस पर भी अभी काफ़ी ऑर्गेनाइज और मोबिलाइज करने की ज़रूरत है ताकि ये सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित ना हो बट एक राष्ट्र स्तर पर भी इस पर बात हो सके। तो इससे मैं इसके साथ मैं कंक्लूड करती हूँ और कुछ अगर फाइनल कुछ कहना है NAPM के साथियों को, नहीं तो बहुत बहुत शुक्रिया इतने समय के लिए आप लोग सब रहे और जिंदाबाद। थैंक यू एंड जिंदाबाद। राही नहीं है, इंटरनेट शायद चला गया, सो थैंक्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजिंग टीम आप सभी को, क्योंकि सभी साथी क्षेत्र में है अलग अलग प्रकार से। कुछ साथी जैसे आनंदिता ने कहा कि श्रमिक खुद है और वो अपना मजदूरी का अनुभव उन्हें रखा, और बाकी साथी जो उनके साथ काम करते हुए संगठन का काम या शोध का काम भी कर रहे हैं उस पर भी आपने अपने अनुभवों के आधार पर बात रखा, तो आप सभी को बहुत धन्यवाद आयोजकों की तरफ से। और आपकी पूरी बात से मतलब एक जो निकल के आती है वो सरकार की एक प्रकार से क्या भूमिका है, जो सत्ता में है लोगों के वोट से जो सत्ता में आकर बैठते हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब संसाधनों की लूट से लेकर श्रम की लूट से लेकर श्रमिक के इज्जत की लूट तक, तो ये पूरा जो एक चक्र है दुष्ट चक्र है ये आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और इसलिए भी जरूरत है जो साथियों ने बार बार कहा कि क्यों और ठोस और मजबूत रूप से संगठित होना चाहिए
और इन सवालों को और मजबूती से उठाना चाहिए। और सरकार तो लगातार यही चाहती है, जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रोज कुछ न कुछ मतलब भेदभाव के आधार पर, और उनका जो पूरा हिंदुत्व और मानववाद का एक एजेंडा है उसके आधार पर वो लोगों के बीच जो और भेदभाव को ये करना, उस लकीर को और मजबूत करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमें और भी क्यों जरूरी है कि इस पूंजीवादी व्यवस्था को चुनौती देना है, तो उस व्यवस्था को भी, वो भेदभाव जो समाज में भी पहले से भेदभाव है उसको भी मिटाना जरूरी क्यों है। ये शायद और श्रमिक वर्ग हो या बाकी ओवरऑल वर्किंग क्लास में भी इस चीज पर समझ और मजबूत करते हुए सरकार को इन सभी सवालों पर मजदूरों के हित के सवाल को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करना होगा। तो ये एक लंबी चुनौती है और इसमें युवाओं की भूमिका बहुत ही ज्यादा है, वो बात आप सबसे आई अच्छी तरीके से। सो हम चाहते हैं कि अगले भी जो सेशंस होंगे उसमें भी आप जरूर जुड़े, क्योंकि और राज्यों से या और क्षेत्रों से भी साथी आएंगे, बात रखेंगे, तो ये संवाद का सिलसिला हम जारी रखें। आप सभी वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से, और आनंदिता को भी जिन्होंने कम समय में उनको सूचित किया गया फिर भी उन्होंने जिम्मा लिया मॉडरेशन का और किया, तो आपको भी थैंक यू सो मच आनंदिता, और जो साथी बाकी जिन्होंने सहयोग किया सत्र के आयोजन में आपको भी जिंदाबाद। थैंक यू, जिंदाबाद सबको, जिंदाबाद सबको।